नमस्कार स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल एक लव्य एस्ट्रोलोजी पे और आज फिर से मौजूद है हम आपके साथ एक महा एपिसोड को लेकर जो कि होने वाला है केतु के ऊपर और जब तक ये वीडियो एंड होगा तब तक बहुत सारे आप लोगों के संशय जो हैं वो दूर हो चुके होंगे तो एंड तक ज़रूर देखिएगा इस वीडियो को और इसी वीडियो में हम आपने जो आपके संशय हम लोगों को भेजे थे जो डाउट्स थे केतु को के लेकर वो कुछ नाइन कमेंट्स थे उस पर उनके भी सिलेक्टिव क्वेश्चंस को हमने चूज किया है जो एंड पे आ, सर से हम लोग उसका डिस्कशन करने वाले हैं तो चलिए शुरुआत करते हैं हिमराज सर फिर से एक नए माय एपिसोड के ऊपर और सबसे पहले मेरा क्वेश्चन आपसे जो रहने वाला है वो है कि केतु क्या है केतु डिटैचमेंट है केतु दुख है देख केतु तकलीफ है केतु स्पिरिचुअलिटी है केतु मोक्ष है केतु क्या है यही समझना सबसे पहले बहुत जरूरी है हमारे व्यूअर्स को आप जरूर बताइएगा बिल्कुल देखिए केतु के बारे में बात हो रही तो मैं सभी को बता दूं कि केतु की बात हो रही है तो आप देखिएगा कि आपके आसपास आप सब लोगों के आसपास केतु ऑलरेडी मौजूद होगा किसी न किसी फॉर्म में ग्रह कोई ऐसे नहीं है कि केतु आसमान से उतर के कहीं बैठा होगा और आपको देख रहा होगा वो बेसिकली केतु एक एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है और वो एनर्जी आपके आसपास होगी क्योंकि इस वीडियो में हमने इतना ज़्यादा केतु केतु किया है तो जैसे चीज़ें ब्रेक होना ठीक है डॉग छोटा बच्चा ठीक है मतलब ये आसपास आना या नाना का मतलब नाना की फॉर्म पे भी कुछ हो सकता है और आसपास ये भी हो सकता है कि आप किसी रिलीजियस टेंपल में आज विजिट करने जा रहे हों या जिस समय आप सुन रहे हो उस समय सात बज रहे हों ठीक है आपने फ्रेंच फ्राइज़ खाई हो, हो सकता है है ना कि मतलब केतु से जुड़ी चीज़ हुई चीज़ें और केतु किसी ना किसी फॉर्म में आपके आसपास रहेगा मौजूद और तो उसको आप नोटिस करिएगा और चीजें ब्रेक होना स्पेशली क्योंकि केतु का काम है ये ऐसा नहीं है कि इसके इस वीडियो के सुनने के बाद एक्टिव होगा ऐसा नहीं होता है वो ऑलरेडी क्योंकि आप इतना केतु केतु सुन रहे हैं मुझे लगता है कि ये लंबा ही जाएगा वीडियो तो डेफिनेटली ये एक्टिव रहेगा आपके आसपास किसी ना किसी फॉर्म में तो केतु की जब बात होती है तो देखिए ऐसा होता है कि केतु एक प्लानट के ना बहुत सारे सिग्निफिकेशन होते हैं केतु अटैचमेंट भी है डिटैचमेंट भी केतु बांधना भी है केतु छोड़ना भी है जब हम ये देखते हैं ना किसी को जेल होगी तो उसमें केतु का इंपॉर्टेंट बहुत बड़ा रोल होता है वो केतु का गोचर देखा जाता है जैसे मंगल सूत्र है मंगल सूत्र केतु मार्स का कॉम्बिनेशन हो जाता है क्योंकि केतु सूत्र को दिखाता है hmm. हाँ तो और सेपरेशन भी केतु से ही होता है तो ये एक चीज समझने की होती है सभी व्यूअर्स को तो कि ज्योतिष योग पे चलती है संबंध ऑफ द प्लैनेट पर चलती है एक प्लैनेट पर नहीं चलती है दूसरा सबकी लाइफ में केतु स्पिरिचुअलिटी या डिटैचमेंट या ब्रेक ऐसे मैनिफेस्ट नहीं करता है वो कई बार स्पिरिचुअलिटी डिटैचमेंट ब्रेक ऐसी जगह पे दे रहा होता है जो हम इग्नोर करते हैं लाइफ में मतलब कि हम हमें उसमें ज़्यादा क्योंकि हमसे जुड़ा हुआ नहीं होता है वो तो हम उसमें ज़्यादा फील नहीं करते क्योंकि बेसिकली दुख पीड़ा संघर्ष या चीज़ें नोटिस में तब ज़्यादा आती हैं जो हमारे से जुड़ी होती हैं और जब केतु की बात हो रही है तो केतु देखो सुपर कॉन्शियस पावर है ऐसा व्यक्ति कि आप किसी को देखते देखते वैसे ही बोलना स्टार्ट कर देते हैं या किसी काम को आप बस सबकॉन्शियसली कर लेते हैं और या आपको लगता है कि सुपर कॉन्शियसली आप चीज़ें कर रहे हैं ठीक है मतलब आपसे कोई चीज़ करवा रही है जैसे कुछ लोगों की आदत होती है कि वो किसी चीज़ को लिखना स्टार्ट कर देते हैं एकदम से और लिखने बैठे तो किसी चीज़ पे भी लिख देते हैं ये hmm. केतु का पावर है मतलब वहाँ पे आपको कोई स्किल नहीं चाहिए मतलब आप वहाँ पे इंट्यूशन क्योंकि केतु है केतु इंडन का कारक है केतु धागा है केतु नैरो गली है केतु सेपरेशन है केतु बारीक चीज केतु इज अ फाइननेस केतु फाइननेस का कारक होता है सबसे इंपॉर्टेंट तो केतु क्वालिटी में बिलीव करता है ठीक क्वांटिटी में बिलीव नहीं करता राहु क्वांटिटी है बहुत मात्रा केतु नैनो चीज़ है छोटी चीज़ है और ये सब भृगुनंदी नाड़ी से निकल के आता है पराशरी ज्योतिष में हमें केतु की इतनी सिग्निफिकेशन नहीं देखने को मिलती केतु छोटा है जैसे शुक्र केतु छोटा डायमंड बनाता है फाइन डायमंड बनाता है जब केतु की बात आती है तो मुझे ऐसे लोग याद आते हैं जैसे अरुण गोविल जिन्होंने भगवान श्री राम की मूर्ति बनाई जब उनकी जो छड़ी हथौड़ी वो सब छोटे छोटे औजार दैट इज केतु मार्स केतु है बेसिकली वो उनके चार्ट में प्रोमिनेंट होगा एक तो केतु डिवाइनिटी को भी रिप्रेजेंट करता है केतु उस उस महीनता उस बारीकी को जिसको देख के लगे यार ये कैसे किया होगा वो जो आर्ट है तो इसलिए जो महीन जो कार्य होते हैं जो जिसमें बहुत बारीकी से कोई काम करना होता है उसमें केतु का बहुत बड़ा रोल होता है तो केतु वो छोटा महीन फाइनेस है तो इसीलिए कई बार केतु आपके जीवन में आपको बहुत अच्छा टैलेंट बहुत अच्छी ऐसी चीजें देता है जिसकी वजह से आपको रिकग्निशन प्राप्त होता है जैसे केतु को जब मुझे रिसेंटली जैसे कल किसी का कंसल्टेशन था तो मैंने कहा कि यार तुम गिटार बजाते होंगे अब जो गिटार है जो गिटार है गिटार में जो वायर्स होती हैं वो केतु है तो अगर आपका केतु जेमिनी का हो और मार्स सन लिब्रा का हो आ, क्योंकि सूर्य और शुक्र की युति बहुत अच्छा म्यूजिशियन के लिए बहुत अच्छा योग है यानी कि सन का संबंध केतु और मार्स से होना चाहिए और शुक्र से कुछ संबंध हो दृष्टि हो साथ में हो उसके साइन में हो जैसे जो सितार वादक हो जो गिटार हो बजाते हैं जैसे यह इस तरीके से भी कनेक्ट होता है जो एडवांस स्टूडेंट है वो ज्योतिष के वो ऐसे भी कनेक्ट होता है कि केतु का राशि स्वामी जैसे किसी का एरीज असेंडेंट हो केतु स्कॉर्पियो में हो और वो मंगल बुद्ध के साथ बैठा हो ग्यारहवें भाव में तो बन गया केतु मार्स और सूर्य शुक्र के साथ कैप्रिकॉन में हो तो ये संबंध हो गया जैसे आप उनको देखते हैं जो बारह मशहूर सितार वादक थे उनका केतु एरीज में है मार्स लिब्रा से देखता है और सूर्य शुक्र की युति केतु के पीछे है तो बेसिकली मेरा ये कहने का मतलब है कि वो जो गिटार बजाना है उसमें केतु का बहुत बड़ा रोल है वो जो ताय, तारे हैं वो जो वायर है उसमें केतु का रोल है वो जो बाद में म्यूज़िक है दैट इज़ सन एंड वीनस वो तो ठीक है तो वो जो टैलेंट होता है ना किसी आदमी के अंदर वो भी केतु होता है ठीक है तो मतलब मुझे ये एक

प्रॉपर्टी का नाप नपाई कितना काटना है कितना देना है कितना छोड़ना है केतु मार्च तो उसको स्पिरिचुअलिटी से कोई लेना देना नहीं है hmm. और केतु रिलीफ है सबसे बड़ी बात तो जितने भी लोग दूसरों को रिलीफ देते हैं मैंने बहुत बार कहा कि एक तो केतु रिलीफ है जैसे मुक्ति करना मुक्त मुक्त करना किसी चीज से जैसे एनकाउंटर स्पेशलिस्ट है कोई क्या करता है मुक्त करता है लोगों को hmm. मतलब कि वो गोली मारा उसको? Hmm. है उसको ठीक है मार्स केतु होगा उसके जाड में स्नाइपर्स है मार्स केतु होगा ठीक है सो जैसे आ, आ, कोई लॉयर है जैसे कोई डॉक्टर है ये बहुत क्रॉप डॉक्टर है ये लोग बड़े केतु डोमिनेंट होते हैं क्योंकि लोगों को रिलीफ मुक्त करने का कार्य करते हैं किसी वे में। वो नेगेटिव वे में भी हो सकता है पॉजिटिव वे में भी हो सकता है ठीक है ना तो बेसिकली केतु का सिग्निफिकेशन स्पिरिचुअलिटी आध्यात्मिकता या ऐसे ही मैनिफेस्ट नहीं करेगा सबके चार्ट में योग इंपॉर्टेंट है अब एक चीज के लिए एक प्लानट नहीं होता है कभी भी प्रोफेशन मल्टीपल कंजंक्शन इन्वॉल्व रहते हैं जैसे मार्स मर्क केतु हो मून के इन्फ्लुएंस में हो सिविल इंजीनियर होता है या टैटू बनाता है प्रिंटिंग है ना क्योंकि क्यों वो ऐसे करना रूट केतु रूट को दिखाता है जितने भी लोग रूट मेडिसिन से ठीक होते हैं रूट का, का काम करते हैं या रूट कैनल आ, या मतलब आ, जो डेंटिस्ट होते हैं केतु बहुत प्रोमिनेंट है उनके लिए केतु चीनी किसी चीज की बहुत गहराई में चले जाना केतु ऊपर जाती हुई चीज अब मैं आप लोगों को बता दूं कि केतु फोर्थ हाउस में एक नैनो क्योंकि नेटो गाड़ी का कॉम्बिनेशन बना सकता है ठीक है और केतु फोर्थ हाउस में अपना प्राइवेट चार्टर प्लेन भी हो सकता है उसके पास क्योंकि केतु ऊपर जाती हुई चीजें मैंने बिल्लीर के चार्ट देखे उनके सबके केतु फोर्थ हाउस में केतु का डिस्पोजिटर फोर्थ हाउस में केतु का राशि स्वामी फोर्थ हाउस में तो उनका पास तो बहुत गाड़ियां हैं तो डिटैचमेंट को ऐसे ना समझे आप कि ये

कॉरिडोर कह लीजिए या जो भी उनका एरिया होता है उसमें पैदा होने वाले लोग उनका जुपिटर केतु होता है जिनके घर में कोई ना कोई पुलिस या बिजली विभाग में काम करने वाला होता है केतु मार्स होता है तो बेसिकली केतु बहुत सारी चीज़ों से मैनिफेस्ट करता है और दूसरा जो एक केतु का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि केतु जब सेपरेट करेगा ना आपको किसी भी चीज़ से चाहे बॉडी से आ, कोई डिजीज मान लीजिए आपको कैंसर है आपका सर्जरी होना है तो पेनफुल होता है बेसिकली वो लेकिन वो एक रिलीफ देता है पेनफुल होता है लेकिन रिलीफ देता है आपको डाइवोर्स हो रहा है आपको आपके लिए पेनफुल होगा सेपरेशन हो रहा है केतु का रोल है उसमें किसी दशा ट्रांजिट योग में इन्वॉल्व है तो आपको पेनफुल होगा लेकिन वो बहुत रिलीफ देता है ठीक है तो केतु रिलीफ भी देता है केतु कट भी कर देता है केतु स्परिचुअलिटी भी दे देता है केतु बड़े बड़े हवाई जहाज भी दे देता है आपको मतलब वो रिप्रेजेंट करता है केतु इज इंडिकेटर ऑफ लॉट ऑफ थिंग्स तो आपने लिमिटेड नहीं सोचना है कि ज्योतिष है स्पिरिचुअलिटी uh, है होता हो है नो no डाउट उसको भी हम डिस्कस करेंगे तो मैंने केतु को लेकर के बहुत सारी बातें कही कि आ, पुराने वीडियोस में भी कहा कि जब आपको किसी भी चीज़ का छूटना केतु होता है चाहे बंदूक से गोली छूटे धनुष से तीर छूटे ठीक है या आपका घर छूटे परिवार छूटे लोग छूटे या आपको छोड़ के जा रहे हैं तो केतु ये वो लेकिन वो आपको इंडिपेंडेंट मरने करने का मौका देता है वो अपनी स्ट्रेंथ जानने का मौका देता है आपका स्किल निखर के आता है आप रियलिटी की तरफ जाते हैं राहु इल्यूजन है केतु रियलिटी है रियलिटी की तरफ जाने लगते हैं बहुत सारे लोग तो ज्योतिष में इसीलिए आते हैं रियलिटी की तरफ जाने लगते हैं समझ में आने लगता है डीप चीजें अब केतु को आप ऐसे समझिए जो केतु डॉमिनेंट व्यक्ति होता है खासकर केतु लगन में हो केतु टेंथ हाउस में हो जुपिटर केतु हो या आपका बृहस्पति से दूसरे छठे या दसवें में केतु हो बड़ी चीजों को छोटा कर देना ये केतु का एक आर्ट है मतलब कि बहुत बड़ी बड़ी चीजों को सरलता से कट कट पीसीज में समझाना तो इसलिए जो केमिस्ट्री पढ़ते हैं उनका केतु बहुत प्रोमिनेंट होता है क्योंकि वट क्या क्या सीख रहे हैं वो एटम्स मॉलिक्यूल्स ये सीख रहे हैं ठीक है ना तो केतु वेरी इंटरेस्टिंग प्लान वो एक्सट्रीम एक स्पिरिचुअलिटी एक, की तरफ भी ले जाता है एक्सट्रीम अटैचमेंट भी देता है इट्स इट्स नॉट दैट अ डिटैचमेंट ये ये बाद की बातें हैं देता फैनेटिक बना बना देना बना देना ये भी एक केतु का पार्ट है किसी चीज में कई बार आप बहुत ज्यादा फैनेटिक अब जैसे केतु लग्न में बहुत ज्यादा अपने से कनेक्टेड है ना सूर्य के साइन में हो सूर्य एग्जॉल्टेड हो जाए सेल्फ को लेकर के ऑब्सेसिव ये भी होता है ऐसा थोड़ी है कि केतु फर्स्ट वाले को डिटैचमेंट ही रहता है हमेशा नहीं होता ये चीजें केतु इलेवेंथ हाउस को हमेशा ये तो ज्योतिष में जो लोग आए हैं वो मोस्टली पीड़ा में रहते हैं डिटैचमेंट रहता है उनको वो आते हैं लेकिन उन लोगों को देखिए जिनका केतु इलेवेंथ हाउस में और बिलीनियर है वो ऐसे भी डिटैचमेंट मैनिफेस्ट करता है जैसे केतु फोर्थ हाउस वाले बहुत लोग देखें तो उनके पास क्या है उनके पास मर्सडीज़ हैं उनके पास बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं लेकिन उनको अटैचमेंट नहीं है उनसे मतलब उनको अपने पिता को दे, दे देंगे अपने भाई को दे देंगे दे, अपने फ्रेंड को दे देंगे दे, किसी को भी चलाने के लिए दे देंगे मतलब उनसे वो कनेक्टेड नहीं है वो उसको भोग नहीं पा रहा है इग्नोर करता है बेसिकली तो वो डिटैचमेंट किस वजह से आ रहा है इग्नोरेंस है वहाँ पे या आपका मटेरियलिस्टिक मटेरियलिस्टिक इग्नोरेंस है materialistic detachment है वो देखना बहुत जरूरी होता है चार्ट के अंदर तो तो उसको हम जैसे जैसे अभी डिस्कस करेंगे तो लोगों को पता चलेगा जी सो so, सर अब नेक्स्ट हमको ये बताइए कि केतु को हेडलेस बोला जाता है वो इसलिए कि राहु का सर धड़ से अलग हुआ और बॉडी रह गई तो हेडलेस बोल रहे हैं लेकिन क्या यही मतलब है हेडलेस होने का केतु का या कुछ

त्याग करते हैं मतलब वहाँ पे आप हेडलेस हो जाते हैं ईगोलेस हो जाते हैं वहाँ पे ठीक hmm. है ना मतलब आप सरेंडर की पोजीशन में होते हैं वहाँ पे वहाँ त्याग की स्थिति आ जाती है वहाँ छोड़ना पड़ता है छूट जाता है ठीक है तो बेसिकली हेडलेस इसीलिए केतु को डिवाइनिटी से कनेक्टेड करते हैं ना झंडे से फ्लैग से स्पिरिचुअलिटी से आप सरेंडर हो रहे हैं आप ये खाली कर रहे हैं अपना दिमाग आप अपना ईगो अपना वो सरोसर त्याग कर रहे हैं ठीक है तो केतु हेडलेस का बहुत सारे मीनिंग होते हैं उसमें से ये भी होता है कि जहां कोई नहीं देख सकता वहां केतु देख सकता है ठीक है हमारी आंखें हैं हमारी आंखें हैं जब हमारी आंखें बंद होती हैं या हमारे विज जहां तक हमारी जिस चीज को हमारी आंखें नहीं देख सकती वो केतु देखता है इसीलिए वो इंट्यूशन का कारक है सुपर कॉन्शियस चीजों का कारक है वो इसीलिए क्योंकि जहां इनविजिबल पावर है केतु के अंदर सुपर कॉन्शियस पावर है टेलीपैथिक कनेक्शन है केतु जोड़ना ना दो लोगों को जोड़ना hmm. दो लोगों के थॉट को जोड़ना मैं सोच रहा हूं कि आज मैं केतु के ऊपर वीडियो बनाऊँ हो सकता है कि मेरा ही कोई कंपिटिटर या मेरे ही जैसा एनर्जी वाला भी वही सोच रहा हो वो भी केतु के बारे में डिस्कशन कर रहा हो केतु के बारे में बोल रहा हो क्यों हो तो ऐसा होगा ना ये दो लोगों का खास करके जब आप जब सिमिलर कॉम्बिनेशन होगा जैसे किसी का बृहस्पति केतु है और सामने वाले का भी बृहस्पति केतु है तो उन दोनों का इंट्यूशन उन दोनों की सोच सिमिलर हो जाता है मून केतु हो और सामने वाले का भी मून केतु सेम सोच चीज़ सोच रहे होते हैं वो ठीक hmm. है इनविजिबल चीज़ें इसका मतलब ये भी है हेडलेस है ना नहीं देख सकता केतु दूसरा आपने बहुत बार सुना होगा कि लोग क्या करते हैं कि केश डोनेट करते हैं बाल डोनेट करते हैं जी, hmm. जी, गंजे हो जाते हैं मॉन्क्स को आप देखते होंगे मॉन्क्स जब आप देखते हैं बुद्धिज़्म या वो उन लोगों को देखते हैं जो

डोंट टच माई हेयर या मतलब ऐसे है ना उसका पर्सनैलिटी अलग ही होता है किसी के बाल जड़ जाएँ तो उसकी पर्सनैलिटी बहुत डिफरेंट होती है या थोड़ा सा पर्सनैलिटी डाउन हो जाती है या मतलब ऐसे होता है ना आप देखेंगे तो बाल डोनेट करने का मतलब भी यही होता है कि दैट आई एम सरेंडरिंग माई सेल्फ मतलब हम अपनी ईगो को त्याग कर रहे हैं सेल्फ को त्याग कर रहे हैं ठीक है हम झुक रहे हैं तो ये केतु हेडलेस के बहुत सारे मीनिंग है और केतु जो कारक है वो मौली का भी है लंबे लंबे केश का भी है है ना इसलिए उसमें एक चंद्रमौलीश्वर योग होता है जो केतु से देखा जाता है तो जब हंसराज रघुवंशी एक एक बहुत अच्छा सिंगर है जो शिव का जिसने गाना गाया तो मुझे ऐसे ही है क्योंकि शिव के गाने की वजह से वो बहुत पॉपुलर हुआ बड़ी बड़ी उसकी भी जटाएं हैं एक तरीके से तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं सैटन जुपिटर मून केतु कुछ संबंध बना रहे होंगे उसके चार्ट एज पर नाड़ी भी और ऐसे भी बहुत प्रोमिनेंट बना रहे होंगे लंबे लंबे केश है वो सारी चीज़ें हैं तो केतु हेडलेस और के ये मुझे मीनिंग समझ में आते हैं कि जहाँ पर कोई नहीं देख सकता वहाँ केतु देख सकता है उसका सिक्सथेंस बहुत अच्छा होता है बहुत इंट्यूटिव होते हैं जैसे केतु वाटर साइन में होता है केतु जब वाटर साइन में होता है तो बहुत इंट्यूटिव होता है मतलब कर्क राशि वृश्चिक मीन राशि इसमें केतु वाटर साइन में बड़ा इंट्यूटिव हो जाता है दैट इज दैट इंट्यूशन इज लाइक नहीं देख पाना ठीक है सर नेक्स्ट सवाल मेरा है आपसे कि केतु और पास्ट लाइफ टैलेंट जैसे आप बताते रहते हैं कि केतु की यू नो इंट्यूशन है पास्ट लाइफ टैलेंट है 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 लेकिन केतु हमारे नाना भी है, भी हैं तो ये डीप जो रूट है, ये जो, आ, का टैलेंट अगर बात करना हो ना जैसे या केतु लीनेज में जैसे मैंने शुरू में जिक्र किया अरुण गोविल अरुण गोविल नहीं वो जिन्होंने भगवान श्री राम की मूर्ति बनाई शायद उनका अरुण गोविल नहीं है अरुण कुछ नाम है हाँ, हाँ, नहीं, हाँ ना? गोविल तो वो भगवान श्री राम ना हाँ, वो ठीक है, है वो जी है जी. लेकिन उनका भी नाम कुछ ऐसा ही है अरुण है शायद आ, तो मैंने कहा कि वो देखिए उनके पिताजी भी वही काम कर रहे थे हुँ. मतलब समथिंग लाइक like. और वो भी आगे कर रहे हैं और वो बहुत फाइननेस है मतलब उनकी जो बनाने की कला है और जो वो छोटी छोटी हथौड़ियाँ जो औजार इस्तेमाल कर रहे हैं दैट इज आल्सो केतु केतु तो मार्स का कॉम्बिनेशन है तो केतु टैलेंट देता है नो डाउट पास्ट लाइफ एबिलिटीज भी देता है वो मतलब आप जैसे एक और एग्जाम्पल देता हूं श्री राम भद्राचार्य जी मतलब जो ये एक संत हैं जिनकी आंखें नहीं है वो जो अंधापन है ना वो भी केतु ही होता है इसीलिए कई बार जो अंधे होने की हिस्ट्री होती है कि हमारे एंसेस्टर में कोई अंधा होता है केतु देखिए कि कोई केतु का प्रोमिनेंट योग बन रहा है क्या सूर्य से लगन से कुछ ऐसा है ना हीलर्स थे या मतलब तो इस तरीके की गतिविधियों में इन्वॉल्व थे कि जो बहुत मैं अभी उसका जिक्र करूंगा तो राम भद्राचार्य जी जिन्होंने बहुत सारी जिनको आज वो अवार्ड भी मिला है जी अयोध्या का हमारा जो केस था अयोध्या राम मंदिर हाँ का तो मतलब वो उनके लिए उनके चर्चा की जाती है उनको। जी 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 वैसे ही रामायण याद है बहुत सारे ग्रंथ याद हैं और बिना आ, देखे वो केतु का बड़ा बेस्ट एग्जाम्पल है वो दैट इज केतु वो केतु मरकरी जुपिटर को संबंध होगा उनका ठीक है आपस में तो इसलिए वो रीडिंग वो इतना नॉलेज अपने साथ लेके हैं। तो केतु पास्ट लाइफ एबिलिटीज और टैलेंट्स देता है बेसिकली ठीक है जैसे केतु किसी ऐसे नक्षत्र में हो जैसे पूर्व शाड़ा पूर्व फाल्गुनी पूर्व भाद्रपद हां पूर्व भाद्रपद ठीक है अगर केतु है तो इसमें कुछ ना कुछ व्यक्ति के पास पूर्व से कुछ ना कुछ टैलेंट है उसके पास ठीक है कुछ ना कुछ नॉलेज है उसके पास केतु वाटर साइन में है तो उसके पास इंट्यूशन है स्पेशली थर्ड हाउस में जैसे केतु मून उसके पास इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होता है उसका डाउट्स वो जिस चीज़ में आ गया किसी चीज़ में उसको डाउट आ गया या वो सबकॉन्शियसली सुपरकॉन्शियसली चीज़ें करने लगता है केतु मून वाले इसीलिए एस्ट्रोलॉजर एस बहुत अच्छे बनते हैं क्योंकि वो इंट्यूटिव वो आसपास की चीज़ों से बात करना सीख जाते हैं प्रकृति से या आसपास की चीज़ों से दैट इज़ इंट्यूशन मतलब वो कि क्या आ रहा है क्या वो छोटी छोटी चीज़ें नोटिस करना तो केतु का पास्ट लाइफ एबिलिटी से बहुत संबंध है जैसे केतु मून पाइसिस में है थर्ड हाउस ही व्यक्ति का तो वो ऐसे ही कुछ मतलब किसी चीज़ का आभास हो जाता है कि अगले मोड़ पे किसी का एक्सीडेंट हो रखा है या ऐसी किसी को बोल देंगे जैसे एक लेडी थी उनको बहुत ज़्यादा लेबर पेन हो रहा है लेकिन चाइल्ड बर्थ नहीं हो रहा था तो उन्होंने कहा कि सुबह सात आठ बजे के बीच में आपको हो जाएगा मतलब कोई ज्योतिषी नहीं है वो लेकिन उन्होंने बोला तो वो हो गया मतलब वो इंट्यूशन काम करता है इसलिए दैविक कृपा या कुछ

लाइक like, मंत्र ऐसे ही उनको आ जाता है पहले से ही कि अच्छा है ना या बच्चों को पढ़ाना ठीक है तो ये टैलेंट होता है नो no डाउट जैसे मार्च केतु वाला है तो उसके अंदर क्या टैलेंट होता है मार्च केतु वाला है निशाना लगाने वाला या चॉपिंग इजीली कर लेगा है ना किसी चीज़ का पत्थर काटना या कुछ समथिंग लाइक दैट कोई कारीगिरी करना कोई पत्थर का कोई पैनी चीज से है ना वो उनके अंदर वो टैलेंट होता है मार्स केतु निशाना जैसे ऐसे ही किसी को मारेगा तो लग जाएगा नोटिस में आता है शार्प शूटर कहता हूं मैं तो मार्स केतु वालों को शार्प शूटर ठीक है ना ये एक टैगलाइन होता है मार्स केतु वालों का ठीक है अब मून केतु वालों को तो मैंने इंट्यूशन का बात किया इसीलिए बहुत अच्छे ज्योतिषी होते हैं इंट्यूटिव होते हैं वाटर साइन में है और ये सब होते हैं केतु और जुपिटर में आप देखिए कि ये लोग क्या होते हैं कि मतलब इनके पास नॉलेज बहुत ज्यादा होता है ज्ञान बहुत होता है धार्मिक चीज़ों के धार्मिक यात्राओं पर जब जाते हैं तो उनको एक इंट्यूशन होता है कि अच्छा मैं यहाँ पहले आऊँ या यहाँ पर ये यह चीज़ें होंगी ठीक है और दूसरा ये होगा कि केतु जुपिटर वालों के पास मैंने बहुत देखा कि छोटे छोटे जो जीव होते हैं छोटे बच्चे डॉग्स ये बड़े आसपास इनके रहते हैं या एकदम अटैच हो जाते हैं ये कालम कर देते हैं उनको मतलब एक एनर्जी इनके आसपास ऐसा रहता है केतु जुपिटर वालों का भी लीनियज में मतलब वो चलता है कुछ कोई चीज़ कई बार लीनियज मतलब वो बीमारी भी दे देता है नो no डाउट ठीक है तो केतु क्योंकि चल रही ना कोई चीज तो केतु जुपिटर इज आल्सो हम उसको गणेश योग भी कहते हैं उसकी ब्रीदिंग कंट्रोल नेचुरली आ जाता है कई बार वो करेगा तो अपनी सांस को कंट्रोल कर सकता है वो ठीक है जुपिटर केतु नेचुरल टैलेंट है उसको कोई भी चीज को बड़ा आ, बड़ी है तो उसको संक्षिप्त कर देगा छोटा कर देगा उसको ठीक है और यह भी देखा गया है कि केतु जुपिटर वाले भगवान से बात करते रहते हैं या काइंड uh, ऑफ kind of, uh, कुछ भी रिलीजियस कुछ भी पढ़ना हो कोई जैसे पाठ करना हो कोई मंत्र पढ़ना हो तो ऑटोमेटिकली वो एकदम स, मतलब उसको मास्टर कर लेते हैं ठीक है तो ये जुपिटर केतु वाले के साथ होता है और कई बार वो बड़ा जैसे होता है ना भगवान जी के मंदिर को बड़ा सजाना बहुत गहनता से आ, मतलब उस उसके ऊपर कलाकारी करना कुछ मतलब होता है ना कुछ लोग बड़े सेंसिटिव होते हैं इन चीज़ को लेकर बहुत पर्टिकुलर और नेचुरली उनका एक आदत बनता है लैट इज़ जुपिटर केतु हालांकि हम सारे कॉम्बिनेशन अभी डिस्कस करेंगे और उसकी चीज़ें हम बताएंगे नो डाउट बट ये केतु एंड पास्ट लाइफ जो एबिलिटीज़ की बात हुई तो ये बहुत सारे लोगों में पाया जाता है जैसे हमने सितार वादक की बात की कि अगर केतु मार्स सन ट्राइन में हो केतु का डिस्पोजिटर मार्स मर केतु का डिस्पोजिटर मंगल बन जाए राशि स्वामी मंगल बन जाए मरकरी के साथ बैठा हो सन वीनस का कनेक्शन है तो कोई म्यूजिक का टैलेंट कोई तबला बजाना कोई कुछ ऐसा पहले से सीखा हुआ है ठीक है तो वो जैसे ज्योतिष में भी बहुत सारे लोग होते हैं पहले से बहुत कुछ सीखे होते हैं इन ट्यूशन हैं सुपर कॉन्शियसली पढ़ाते हैं ऐसे बिना तैयारी के करते हैं तो वो तो दैट इज वो सारा एक एग्जाम्पल है कि केतु देता है नो डाउट ठीक है ना तो ये केतु का एक्सप्लेनेशन है कि क्या पास्ट लाइफ एबिलिटीज होती हैं बिल्कुल होती हैं और गहराई में जाता है उस चीज में व्यक्ति वीनस केतु वालों को कुछ ना कुछ फाइनेंस का व्हीकल का कपड़े का कुछ ना कुछ बड़ा अच्छा नॉलेज होता है मतलब उसमें महनता उसकी कुछ ना कुछ क्वालिटी फाइनेंस होती है उसमें शुक्र से जुड़ी चीज़ों में फाइनेस होगा उसकी लाइफ में ठीक जी, जी। है ना दैट इज केतु पास्ट लाइफ ठीक है सर नेक्स्ट क्वेश्चन है शायद मैंने आप ही के वीडियो में कहीं देखा है या शायद क्लासेस में हमने पढ़ा होगा कि आप हमेशा बात करते हैं कि केतु जो है वो डीप रूटेड मेमोरीज या कुछ डीप रूट एग्रेशन है कर्सेज हैं इसका क्या मतलब है एक्चुअली डिटेल में प्लीज़ व्यूअर का बताइए कि डीप रूट मीनिंग बिल्कुल देखिए क्या होता है कि डीप रूटेड से जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ कि मान लीजिए कोई व्यक्ति पायलट है या एयरफोर्स में कोई आ, मतलब हवाई जहाज मतलब जो भी है प्लेन उड़ाता है ठीक है प्लेन उड़ाना केतु हो गया जी. मतलब उसके चार्ट में जुपिटर केतु का कॉम्बिनेशन मार्स केतु या मून केतु या केतु टाइम हाउस में होगा जो लोग एयरफोर्स में है वो अपना चार्ट देख सकते हैं ठीक है तो बेसिकली आ, अब मान लीजिए उसका कोई एक्सीडेंट हो जाए उसके बाद से वो व्यक्ति प्लेन उड़ाने नहीं चाहता मतलब वो जाने नहीं चाहता उस काम में करना ही नहीं चाहता तो ये क्या हो गया वो कोई जो फियर है वो डीप रूटेड मतलब अंदर तक जा चुका है सो so, क्या होता है कि केतु फियर डीप रूटेड अग्रेशन ठीक है कोई चीज बाहर ही नहीं निकल पाई दैट इज इज्सो केतु ठीक है ना दैट इज ऑल्सो केतु सो so, वो पास्ट लाइफ का फियर भी हो सकता है जैसे मैंने बहुत सारे लोगों को केतु को देख करके केतु ट्वेल्थ हाउस केतु नाइन्थ या केतु लगन जुपिटर केतु मार्स केतु मून केतु ये कुछ कॉम्बिनेशन है तो इन इनके लिए मैंने बहुत बार कहा है कि आपको ऐसे सपने आते हैं कि आ, हाइट से गिर रहे हैं आप फियर हो जाता है हाइट से फियर हो जाता है कई बार देख लेंगे कि अरे हवाई जहाज की दुर्घटना हो रखी है तो अगर फ्लाइट कैंसिल कर देंगे क्योंकि मतलब ये फियर हो जाता है कई बार ये गाड़ी चला रहे होते हैं ऐसे लोग तो दिन को बहुत मान लीजिए मतलब फास्ट गाड़ी चला रहे हैं और और लेकिन शाम को उनको याद आता है कि अरे यार मैं इतनी तेज़ चला रहा था सोते टाइम या कहीं कहीं एक्सीडेंट हो जाता मतलब एक वो डीप रूटेड हो गई वो चीज़ तो कई बार केतु के क्या दिखाता है कि डीप रूटेड मेमरीज फियर अग्रेशन जो बाहर नहीं निकला अंदर ही रह गया और वो पास्ट लाइफ से भी होता है जैसे मैं आपको बताऊं केतु मार्स ट्राइन या केतु मंगल डीप रूटेड अग्रेशन बीपी का प्रॉब्लम हो जाएगा व्यक्ति को क्यों क्योंकि हो सकता है कि जब हम किसी को कर्स देते हैं कर्स देते हैं मतलब गुस्से में एकदम कर्स दे रहे हैं किसी को कि साला इसका ऐसा हो जाए ऐसा लोग करते हैं ना कर्स देते हैं किसी वजह से वो जो कर्स है वो इतना ज्यादा वो एंगर इतना ज्यादा है कि वो डीप रूटेड हो गया भले ही उसने कर्स दे दिया दूसरे को भले ही उसने कर्स कर दिया लेकिन वो कहीं ना कहीं डीप रूटेड हो जाएगा अंदर तो इसीलिए हाँ वो सेल्फ आर्मिंग हो जाएगा वो उ, उ, उसको फिर क्या है वो ब्लड से लेटेड इशूज हो एक्सप्रेस नहीं कर पाया ना अपने को केतु मून वाले के साथ बहुत होता है पास्ट लाइफ मेमरीज या पास्ट लाइफ के किसी इंसिडेंट की वजह से या तो उसकी मदर को होगा या नेटिव को होगा अंदर ही अंदर नहीं इसलिए आप देखो ना कि केतु जुपिटर हो केतु मून हो इनके साथ बात करे कोई तो ये लगातार मतलब इतना बोलना चाहते हैं इतना एक्सप्रेस करना चाहते हैं क्योंकि इनको मौका ही नहीं मिला चाहे वो मदर के साथ भी हो सकता है मून केतु के मदर आइसोलेशन में रहना चाहती हैं लेकिन वो डीप रूटेड एक थॉट हो गया डीप रूटेड विचार कुछ ऐसे रह गए वो एक्सप्रेस नहीं हो पाए वो बाहर नहीं निकल पाए या पास्ट में किसी ने कुछ बोला था छेड़ा था तो बोला नहीं है इमोशंस हैं वो शॉक है तो फियर भी केतु है बेसिकली जैसे पास्ट लाइफ फियर भी होता है पास्ट लाइफ शॉक भी होता है और वो प्रेजेंट लाइफ में मैनिफेस्ट भी करता है कई बार ठीक है तो जैसे कुछ अच्छी चीज़ें हम केतु की लेके साथ आते हैं केतु की वजह से इंट्यूशन साधना मंत्र जाप ये वैसे ही कुछ अग्रेशंस कुछ कर्सेस हो सकता है मैंने किसी को कर्ज किया हो केतु मार्स इसलिए अग्रेशन में कर ऋषि दुर्वासा ऋषि बहुत कर्ज करते थे है ना काइंड ऑफ <laughs> kind of होता है ना तो बहुत बार ये पास्ट लाइफ का प्रोडिक्शन में काम आता है ठीक है ना क्योंकि केतु जो है पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरापीज और इन सबको भी बहुत वो दिखाता है अब केतु क्या करता है केतु ब्लॉक भी करता है तो जिनके चाइल्ड नहीं होता मेल चाइल्ड नहीं होता परिवार में या वो लास्ट मेल होते हैं फिर उन वो भी अकेले मेल चाइल्ड होते हैं और उनके बाद सिर्फ डॉक्टर्स पैदा होती हैं मेल नहीं होता मतलब वो लीनेज ब्लॉक होता है उसमें भी केतु का रूल होता है Hmm. बिल्कुल ठीक है ना तो उसमें केतु का रोल होता है वो स्टडी किया जाता है उसमें सन मार्स केतु ये सब ब्लेंड होने चाहिए सो so, केतु इज अ डीप रूटेड अगर प्रॉब्लम है आपका ठीक है इसलिए केतु मरकरी वाले को लिखने को बोला जाता है लिख के रखता है वो एक्सप्रेशन इसलिए केतु मरकरी वाले को कई बार फियर ऑफ एग्जाम एग्जाम के सपने आते हैं केतु मरकरी वाले को hmm. मेरा पेन छूट गया मेरा पेपर छूट गया पेपर के सपने आते हैं कि मैं एग्जाम दे रहा हूँ

पढ़ते हैं बार बार बीच में पढ़ाई में कट लगता है फिर आप दोबारा पढ़ते हैं और वही फिर डीप रूटेड रहता है तो उसी फिर वो ड्रीम्स आते हैं केतु मरकरी के साथ आप बहुत बहुत बार मैंने कहा है प्रडिक्शन किया मैंने ये ठीक है सब केतु फियर भी देता है केतु केतु सैटर्न हो तो उसको फियर या कुछ उसकी वजह से फियर रहता है अपने करियर की वजह से कि मेरी जॉब तो नहीं छूट जाएगी ठीक है ना तो ये इस तरीके से मैनिफेस्ट करती हैं चीज़ें तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा कि केतु पास्ट uh, लाइफ का डीप रूटेड अग्रेशन भी हो सकता है कर्ज किया हो किसी को मतलब कर्ज देना भी अपने आप में एक दिक्कत है जी। अगर आप कर्ज कर रहे हो ना आपका प्रॉब्लम है आप कर्ज इसीलिए कर रहे हो क्योंकि आप और आप स्पेशली अपने आप से बात कर रहे हो अपने मन में ही कर्ज दे रहे हो तो वो केतु मून कॉम्बिनेशन हो जाता है वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा आपको आज नहीं तो कल और, और रेटी कोई होता है जैसे केतु मून है तो मदर का हो सकता है ठीक है ना सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नहीं है एक्चुअली मैं चाहूंगी कि आप व्यूअर्स को केतु के, के स्नैपशॉट कंजंक्शन दूसरे प्लान के साथ बताएं और मैंने आपके ही द्वारा सुना है कि केतु रिलीफ देता है इस रिलीफ को जरा एक्सप्लेन करें कि केतु से रिलीफ कैसे मिलेगा देखिए मैं एक स्नैप मतलब स्नैपशॉट चलिए कंजंक्शन तो हम बात करेंगे केतु का एक बहुत अच्छा टेक्निक देता हूँ बेसिकली क्या होता है कि हमारे आस ना कुछ लोग होते हैं जी हमारे फ्रेंड्स के तौर पे होते हैं बॉस गुरु आ, या गाइड करने वाले लोग होते हैं या भाई बहन होते हैं तो ये किसी ना किसी फॉर्म में हमारे आसपास होते हैं केतु बेसिकली रिलीफ है मतलब केतु रिलीफ मुक्ति देता है ना आपको किसी भी चीज़ से जैसे विपासना सेंटर में लोग जाते हैं जी बिल्कुल बिल्कुल क्यों जा क्यों जाते, जाते? आइसोलेट हो जाते हैं विपासना सेंटर जब आप जाते हैं तो दैट इज टोटली केतु मतलब केतु का जोन है वो तो क्या होता है वहाँ पे लोग अपने अंदर की चीजों को बाहर निकालते हैं रोते हैं बैठते हैं मोबाइल फोन दूर रख देंगे मेडिटेशन करेंगे बहुत समय तक वहाँ पे रहेंगे और वो पूरा नेचर और प्रकृति को एंजॉय करेंगे वो केतु है केतु प्रकृति की तरफ लेके जाता है आध्यात्मिकता तो क्या है आज आप, आपके आसपास की जो प्राकृतिक चीजें हैं उससे जुड़े हैं आप राहु भौतिकता है राहु बहुत ज्यादा भोग और उसमें लेके जाता है केतु वो करता है तो केतु का जो रिलीफ है जो मिलता है तो आंसू निकल आते हैं डिवोशन भी उसी तरीके का है है ना डिवोशन भी उसी तरीके का है वो, पासना, वो पासक है आप किसी के और वो सामने आ जाए चाहे वो किसी भी फॉर्म में भजन सुन के हाँ भजन सुन के हाँ केतु मून केतु जुपिटर वालों के साथ ये बहुत होता है तो जैसे आपने बात की कि रिलीफ कहां से मिलता है तो ये दूसरा जो लोग ये है ना ये अपने डीप रूटेड अग्रेशन हैं आपके अंदर डीप रूटेड एंगर हैं आपके अंदर मेमरीज़ हैं आपके अंदर नहीं छो पा रहे छोड़ पा रहे हैं यहाँ से तो पासना सेंटर जाइए ठीक हो आएंगे आप है ना मतलब बाहर निकाल के आएंगे बेसिकली या पी एल आर आर करा ली पाट लाइफ रेगुलेशन थेरेपी मतलब ये सब करवा लें आप तो मैं ये नहीं कहूँगा इससे केतु ठीक हो जाएगा बट मैं ये कह रहा हूँ कि जो के क्योंकि रेमेडी प्रॉब्लम का होता है जी जी मैं हमेशा कहता हूँ रेमेडी प्लानट का नहीं होता है प्लानट इज़ नॉट ए डूअर ठीक है वो तो आस आज, के आसपास की एनर्जी को दिखाता है व्हाट यू आर एक्सपीरियंसिंग और किस वे में एक्सपीरियंस कर रहे हो जो वे है एक्सपीरियंस करने का क्या एक्सपीरियंस कर रहे हो कहाँ पे एक्सपीरियंस कर रहे हो वो प्लानट दिखाते हैं कि तुम अब ये एक्सपीरियंस कर रहे हो तो इसीलिए रेमेडी उस चीज के लिए किसी को बहुत ज्यादा इश्यूज रहते हैं कि जैसा होता ना कि आ, साइकोलॉजिकल इश्यूज साइकोलॉजिकल इश्यूज हैं या एंगजाइटी एंगजाइटी है कंसनट्रेशन है, का प्रॉब्लम है ना आप जा सकते हैं या फिर आप अपने घर में ही ऐसे आइसोलेट रहें मेडिटेशन करें तो आपको मजा आएगा मतलब आप फ्री महसूस करोगे तो केतु इस वे में रिलीफ कर देता हुँ। है आपको और केतु रिलीफ इस वे में भी देता है कि आपको डिजीज़ हो गया बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि मेरा ऑपरेशन हो गया यार ऑपरेशन उस चीज़ का हुआ जो चीज़ पहले से आपके मौजूद थी बॉडी के अंदर और अब आपसे वो सेपरेट हो गया कट हो गया वो बेसिकली ठीक है ना तो रिलीफ बेसिकली रोग से मुक्ति मिली आपको ठीक है ना ये हो गया तो एक बहुत स्नैपशॉट टेक्निक मैं दे रहा हूं कि ये देखिए कि केतु किस ग्रह से ग्यारहवें है अगर आपका चंद्रमा से ग्यारहवें में केतु है तो आपको चंद्रमा केतु वाले लोगों से रिलीफ मिलेगा गाइडेंस के लिए डिवाइन हेल्प के लिए आप वहां जाएंगे चंद्रमा से ग्यारहवें केतु है अगर जुपिटर से ग्यारहवें में केतु है या ऐसे पढ़ लीजिए केतु से तीसरे भाव में क्या है केतु से तीसरे भाव में जुपिटर है तो जुपिटर केतु वाले से मिलेंगे आपको सैटन केतु से तीसरे भाव में सैटन है तो सैटन केतु वाले से मिलेगा ठीक है इसी प्रकार से सारे प्लान केतु से थर्ड में वीनस है या वीनस से इलेवेंथ हाउस में केतु है तो वीनस केतु युति वाले के पास आप जाएंगे मतलब वो आसपास आपको एक डिवाइन इंट्रैक्शन स्पिशलिटी मतलब एक्सपेक्ट करेंगे आप वहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको वहाँ से मिलेंगी सूर्य से ग्यारहवें भाव में केतु है तो आप सूर्य केतु युति वाले के पास बुद्ध से ग्यारहवें भाव में केतु है तो बुद्ध केतु की युति वालों से मिलेंगे और ये इनके पास मौजूद होंगे अपने अपने, अपने अपने चार्ट्स अपने अपने हस्बैंड दोस्त या जिनके पास ये जाते हैं उनसे आप देखेंगे तो इनको पता चलेगा जी। दूसरा अब बात की आपने केतु कनेक्शंस की पहले हम चंद्रमा केतु की बात करते हैं चंद्रमा मून केतु का कॉम्बिनेशन मैंने कहा था कि चंद्रमा पानी है केतु हॉली प्लेसेस को रिप्रेजेंट करता है तो ये हरिद्वार का कॉम्बिनेशन है ठीक है ये केतु जंक्शन को भी रिप्रेजेंट करता है ये प्रयागराज का कॉम्बिनेशन है मून केतु जहां दो नदियां मिल जाती हैं ठीक है तो मून केतु ऐसा कॉम्बिनेशन है कि इसका इंट्यूशन तो अच्छा होता ही है साथ ही साथ ये दूसरों को रिलीफ देते हैं दूसरों को इमोशनली रिलीफ देते हैं दूसरों के इमोशंस को बहुत अच्छे समझते हैं खुद खुद भी बहुत इमोशनल सेंसिटिव होता है आदमी लेकिन थोड़ा डाउटिंग नेचर आ जाता है मून फूड होता है केतु एग्जिट होता है तो कई बार इन लोगों के साथ होता है कि जैसे खाना खाने जाएंगे खाना खाने से पहले वॉशरूम जाना जो खा रहे हैं वो बाहर मतलब फिर वॉशरूम जाना मतलब ये कुछ कई बार ऐसे देता है और मून केतु का कंजंक्शन है जुपिटर रेट्रो है फ्लिक्शन है दूध से बनी हुई चीज़ें प्रॉब्लम करेंगी लैक्टोज इंटॉलरेंस हो जाता है मून केतु खाना स्किप करना खाने में बहुत ज़्यादा वो एरर ढूंढना कि नहीं बनाया स्पेशली मदर का बना हुआ मदर का बना हुआ खाना कई बार ठीक है ना तो इनको उसमें बड़ी प्रॉब्लम आती है और ये कहीं ना कहीं आपको मदर और मदरलैंड से दूर करता ही है भले ही आपको अपनी मदर से बहुत प्यार होगा बहुत अटैचमेंट होगा किसी भी में दूर करेगा ही और दूर रहना ही कई बार आपके लिए ठीक होता है मून केतु में सो मून केतु और वो ऐसी जगह रहेगा जैसे कोने वाली जगह पे रहेगा या कोई शहर होगा तो कोने में जाकर के नैरो पगडंडी कोई रास्ता जाता होगा वहां जाकर के वो रहेगा आइसोलेशन में मून केतु वाला और मून केतु वाले को फियर है ना ये क्रिएट हो जाता है किसी चीज से डाउट बहुत ज़्यादा हो जाता है जैसे ताला लगाएगा तो दो बार चेक करेगा रात को लेगा अरे गैस का सिलेंडर मतलब वो नीचे को किया है नहीं? के सच हो जाएगा इंट्यूशन से और कुछ ना कुछ ही अपने साथ इसलिए चंद्रमा केतु वाले को बहुत अच्छा जोश ही बोला जाता है, है मानसिक तौर पे और जस्ट पास में ही जहां पर भी रहेंगे शिव का मंदिर होगा क्योंकि चंद्रमा पानी है और केतु वो जो धागा या मौली होता है जिससे वो टप टप करके चंद्रमा केतु की जो कंजेंशन है ना चंद्रमा केतु का कंजेंशन समझना है तो ऐसे समझ लीजिए कि जो कैपलरी रिएक्शन होता है किसी चीज में या वो जो भगवान भोलेनाथ के ऊपर जो लगा होता है जिससे पानी जा रहा होता है टप टप करके वो जो कलश होता है और उसमें धागा जो होता है दैट इज मून केतु मून केतु टिप टिप करना इसीलिए इनके घर में कई बार नल का पानी का नल टिप टिप कर रहा होता है hmm. मतलब ये प्रॉब्लम ये इनके पास एनर्जी ऐसे ही रहेगा ना सिप सिप करके पानी पीना हाँ मतलब ये भी है ठीक <laughs> है ना कुछ लोग देखिएगा कि सीधा पानी नहीं पीते गिलास से वो ऊपर से एक धार बना के पतली धार hmm. मतलब उसको वो पसंग, ऐसे पसंद करते हैं हालांकि हार्मफुल होता है किडनी से रिलेटेड इशूज आते हैं यूरिन से रिलेटेड इशूज आ जाते हैं लोगों को सो मून केतु ये है और इसके अलावा बृहस्पति केतु की युति जो होती है मैंने कहा था ये गणेश योग होता है कान से ब्रीदिंग नाक से रिलेटेड कुछ इशू देगा ब्लॉकेज देगा बहुत सारे ऐसे लोग देखे गए हैं जुपिटर केतु वाले जो ब्रीदिंग कंट्रोल सीखते हैं बिकॉज जुपिटर इज अ प्राण शक्ति थोड़े लीनियन लीनियंट होते हैं बहुत ज़्यादा सब होते हैं झुकने वाला छोड़ने वाला त्याग करने वाला होता है और देखने में दुबला पतला होगा जुपिटर केतु वाला और मून केतु वाले का और मैंने देखा जैसे वो पेट में छोटे छोटे कीड़े होते हैं ना लोगों के खाना है ना वो वो मून केतु ठीक है ना खाने में बाल निकलना हाँ खाने में बाल निकलना जैसे ही चंद्रमा केतु युति वाले लोग चार लोग इकट्ठे बैठेंगे तो उनका खाने में बाल कीड़ा कुछ ना कुछ मतलब उन अगर आपको चार लोगों को बिठा दिया जाए तो भाई अगर कोई चीज है कोई बाल निकलेगा तो मून केतु वाले के थाली में सबसे ज्यादा निकलता है ठीक है ना ये चंद्रमा केतु का एक मैनिफेस्टेशन है दूसरा चंद्रमा केतु शिव का योग है मैंने कहा शिव की उपासना करना इनके लिए अच्छा रहता है मेडिटेशन कंट्रोल योर थॉट ठीक है ना आइसोलेट रहना और ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होना चीजों में इनके लिए अच्छा होता है बृहस्पति केतु की बात हो रही थी इसी से जी, जी. कि बृहस्पति केतु वालों के क्या आता है देखो ब्रेक आता है बृहस्पति क्या होता है आपकी धार्मिक यात्रा होती है ब्रेक लगता है आपने प्लान बनाए मैं यहां जाऊँगा मैं जाऊँगा लेकिन ब्रेक होता है और लॉन्ग टर्म जर्नी पसंद नहीं करते एक साथ बीच में रुकना पसंद होता है ठीक है और ये तो ऐसे हो गया जैसे जुपिटर केतु क्या हो गया धार्मिक स्थान पे झंडा ऐसी जगह से के संबंध होते हैं जैसे जिनको देवभूमि कहा जाता है चाहे वो फिर हिमाचल हो उत्तरा रू, उत्तराखंड हो रूट में जाना रूट मेडिसिन किसी चीज़ का रूट का नॉलेज जरूर होता है ऐसे व्यक्ति को चीज़ों को मैंने कहा था पहले भी ये बड़ी बड़ी चीज़ों को छोटा कर देते हैं पीसीज में ये ऐसे टीचर्स होते हैं जो आपको बड़ी कॉम्प्लेक्स चीजों को भी बड़ा सरलता से टुकड़ों में विभाजित करके आपको सिखा सकते हैं और केतु सीढ़ी होता है तो कई बार ये लोग क्या होते हैं कि सीढ़ियों से गिरने का भय रहता है या ऊपर वाले फ्लोर में रहते हैं सीढ़ियों से जा करके रहना पड़ता है कोने में जाकर के जुपिटर केतु सर केतु और जुपेटर मैं तो बहुत अच्छा कंजक्शन मानता हूँ हालांकि कई बार इनको मेल चाइल्ड होने में दिक्कत आती है नो no डाउट जुपिटर केतु और गणपति जी गणेश जी के उपासक होते हैं तो ये जुपिटर केतु है आई थिंक जुपिटर केतु को लेकर के ये इतना काफ़ी है आज और अब बात करते हैं मरकरी केतु मैंने बात की ना कि जिन लोगों को ऐसे जिनकी एजुकेशन में ब्रेक लग जाता है जिनको ये रहता है कि मुझे तो पढ़ना था लेकिन पढ़ नहीं पाया एक्सप्रेस करना था लेकिन एक्सप्रेस नहीं कर पाया तो इनको सलाह भी दी जाती है कि लिखें तो ये एक्सप्रेस करेंगे उसमें मतलब वो थोड़ा सा इनके अंदर की चीज़ बाहर निकल के आती है मरकरी प्लस केतु और ब्रेक लगता है एजुकेशन में बोलते समय इनके कम्युनिकेशन नेटवर्क में इशू रहता है कई बार इशू रहता है मतलब बार बार कई बार और मरकरी केतु फ्रेंड से अटैचमेंट और डिटैचमेंट ये सब चलता रहता है मरकरी केतु सपने आना वो तो मैंने बता ही दिया है ना सो मरकरी केतु क्या होता है लड्डू गोपाल का कॉम्बिनेशन है ठीक है छोटे बच्चों को पढ़ाना छोटे बच्चों को

ठीक है ना तो मार्च केतु कंजंक्शन में क्या होता है कि मैंने कहा था निशाना लगाने वाले होते हैं और ये ज़्यादातर उन लोगों के चार्ट में मिलता है जो जिनको थोड़ा सा हीमोग्लोबिन की कमी होती है ब्लड डोनेट करने वाले अपना अपनी देह से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट या एक फिन्स एक बहुत कठिन तपस्या मतलब जो इनकी देह को कष्ट देते हैं मार्च केतु उनके चार्ट में होता है आप जितने भी एनकाउंटर स्पेशलिस्ट हैं साफ शूटर या जिन्होंने एनकाउंटर किए उनके चार्ट में मार्च केतु पाया जाता है सो मार्च केतु बाकी तो मैंने गिटार वाला कॉम्बिनेशन बता ही दिया था तो मार्च केतु हनुमान जी के उपासक कैंची धाम से इनका संबंध होता है मार्च केतु वालों का और कॉन्फ्लिक्ट पुलिस के चलान होना पुलिस वालों के साथ या लॉ बेसिकली मार्च केतु उन लोगों के चार्ट में पाया जाता है उन लोगों के चार्ट में जो लॉयर्स होते हैं दूसरों को लीव देते हैं वो उनके कॉन्फ्लिक्ट से इनके चार्ट में पाया जाता है मार्स केतु मरकरी उन लोगों के चार्ट में पाया जाता है जो मैथमेटिशियंस होते हैं स्पेशली uh, कैलकुलेशंस में जैसे शकुंतला एक कैलकुलेशन बहुत अच्छा था उनका जी जी शकुंतला देवी है ना और मार्स केतु मरकरी मार्स केतु मरकरी या मार्स केतु थर्ड हाउस में उन लोगों का होता है जो निशानेबाजी सीखते हैं जैसे तीरंदाजी सीखते हैं जैसे शीतला शीतल जो जम्मू कश्मीर की जो पैरालंपिक्स की थी है ना मार्स केतु मरकरी कॉम्बिनेशन है वो बिल्कुल हाथ नहीं है अंडर डेवलप्ड चीजें हैं क्योंकि केतु अंडर डेवलप्ड लिम्स देता है बेसिकली किसी तरीके से ना होना या कट जाना वो मार्च केतु इन्वॉल्व होता है उसमें केतु इन्वॉल्व होता है तो मरकरी के साथ होता है तो हाथ है लेकिन कहीं ना कहीं वो फिर आर्ट दे दिया कोई चीज़ छिल ली लेकिन वो पेनफुल था लेकिन कुछ ना कुछ वो दे दिया उसको इंट्यूशन दे दिया वो चीजें दे दी है ना तो जब वैसे भी मुझे जब वो याद आता है ना अर्जुन बिना आंखों पर पट्टी बांधे जब वो प्रैक्टिस कर रहे थे तो मुझे मार्स केतु नजर आता है कैसे ही मतलब निशाना लगा देना और लग जाए दैट इज़ मार्च केतु सो मार्च केतु वालों के थोड़ा सा लड़ाई झगड़े कॉन्फ्लिक्ट प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट ये देखने को मिलते हैं और वर्स्ट सिचुएशन में पाइल रिलेटेड इशूज़ जहाँ पर भी होगा किडनी स्टोन जैसे लिब्रा में होगा सेवनथ हाउस में होगा तो किडनी स्टोन सर्जरी और इंजरी के कॉम्बिनेशन बन जाते हैं मार्च केतु आई थिंक सैटन के ओके सेटन केतु एक बहुत डरा हुआ कॉम्बिनेशन है सबको पता है कि यार करियर में ब्रेक देता है लेकिन बहुत बड़े बिजनेसमैन के चाड़ में पाया जाता है सैटन केतु इंडिपेंडेंट की केतु इंडिपेंडेंट करता है आपको सैटन केतु मैं बहुत बार कहता हूँ कि एन से जुड़ते हैं ऐसे लोग निस्वार्थ कर्म बिकॉज केतु कर्म नहीं करवाना चाहता वो क्रियमण कर्म नहीं करवाना चाहता सैटन क्रियमण कर्म है केतु कैप्रिकॉन केतु सैटन ये क्या करता है इनको स्प्लिट करता है करियर में डिसैटिस्फेक्शन देता है लेकिन सबको नहीं देता बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो

थोड़ा सा लोगों को भय नहीं करना है कि सैटन किसी की लाइफ में सैटन केतु क्या कर रहा है उसको डिटैचमेंट कर रहा है उसको करियर में परेशानी उसको ब्लॉकेज दे रहा है और किसी की लाइफ में वो उसको बहुत बड़ा हाँ बोले ऊंचाई है ना so, डिस्पोजिटर टेन दूसरे योग मैटर करते हैं ना कि सिर्फ इसी पे

ओके वीनस केतु okay. के शुक्र और केतु अगर किसी महिला के चार्ट में है आप देखिए वो आइसोलेटेड होंगी आइसोलेशन में बिलीव करेंगी डीप रूटेड जाने वाली होंगी नानी से अटैचमेंट नानी के घर पैदा होने वाली अगर मेल के चार्ट में है तो उसकी वाइफ के साथ ही मैनिफेस्ट होगा तीन बहनें हो सकती हैं और उसमें से एक की मृत्यु जल्दी हो जाना या छोटे में हो जाना तो इसलिए वो दो भी होती हैं कई बार मिसकैरेज हो जाता है अबोशन करवा लेते हैं तो वीनस केतु थोड़ा सा और रूट की नॉलेज रखने वाली वीनस प्लस केतु ये बहुत बार देखा गया है और वीनस प्लस केतु क्या है कि बहुत सारे लोग डरते हैं कि अरे यार ये वेल्थ नहीं देता यार वो तीन प्रकार की इनकम दे सकता है तीन गाड़ियां दे सकता है आपको है ना और कपड़े का जो काम करते हैं उनके चार में वीनस केतु ही होता है और दूसरा आ, कपड़ा काटना हाँ बेसिकली हाँ और वीनस केतु में क्या होता है कि आ, पत्नी ऐसी होंगी जो थोड़ा सा डिटैचड हो थोड़ा सा चीज़ों की डीप में जाने वाली हो है ना छोटे बच्चे जिनसे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करते हो है ना छोटे छोटे जीवों की बहुत ज़्यादा केयर मैंने बहुत ऐसी लड़कियाँ देखी वीनस केतु वाले मच्छर नहीं मारती हैं वो मतलब कि अरे नहीं इसको नहीं मतलब वो एक कनेक्टेड हाँ। है ठीक है जी, जी, तो जी. वीनस प्लस केतु सबके लिए मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम नहीं होता है कुछ लोगों को होता है है ना अगर आपका साथ में मंगल और वीनस के बीच में केतु आ जाए तब सेपरेटिव सेपरेशन दे देता है अदरवाइज़ वीनस केतु बहुत सारे डेंटिस्ट के चार्ट में पाया जाता है हीलर्स के चार्ट में पाया जाता है तो वीनस केतु रूट मेडिसिन का कॉम्बिनेशन है एंड पद्म योग जब अगर बन जाएगा वीनस केतु मरकरी मून तो ये किसी महिला के या बेटी के पैदा होने के बाद आपके जीवन में स्पेशली अगर वो अपने नानी के घर पैदा होती है तो आपके लिए बहुत लकी होती है मतलब कि वो या नानी साथ में हो तो वो क्या होता है कि लक्ष्मी का योग बनता है वो पद्म योग बनता है सो तो क्या होती है कि वेल्थ देता है आपको डिफरेंट प्रकार से मल्टीपल सोर्सेज से आपको वेल्थ देता है सो वीनस केतु को लेकर के ऐसा नहीं सोचना है कि यार ये वेल्थ नहीं देगा या ये uh, अब पता नहीं मेरी शादी होगी कि नहीं होगी कई बार लेट करता है कई बार डिटैच करता है आइसोलेट करता है ठीक है ऐसा वीनस केतु अब हम बात करें सन प्लस केतु की या केतु प्लस सन की देखो एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है ध्वज कीर्ति योग दैट इज केतु इज अ फ्लैग सन इज अ कीर्ति सो ये ध्वज कीर्ति तो बहुत अच्छा होता है ध्वज कीर्ति का लिटरल मीनिंग ये नहीं होता कि सबको गवर्नमेंट जॉब लगेगी ये अपनी फील्ड में देखो जैसे कोई गाड़ी का, का काम करता है तो वो अप, गाड़ी का, का काम कर रहा है तो उसके एमएलए एम पी उसकी गाड़ी में बैठ रहे हैं विधानसभा में काम कर रहा है मतलब जिनका फ्लैग है जो वो है या अपनी फील्ड में एक अच्छी पोजिशन पर कीर्ति मतलब एक फ्लैग एक झंडा गाड़ना कि मैंने ये अचीव किया है इसमें केतु प्लस सन वो होता है ध्वज कीर्ति योग और सन प्लस केतु थोड़ा सा लेनीज को ब्लॉक करने का ब्लॉक होने का कॉम्बिनेशन बन जाता है पितृदोष बन जाता है तो कई बार मेल चाइल्ड होने में इशू आता है या वो सिंगल ही होता है सन प्लस केतु फादर से दिक्कतें फादर से सेपरेशन पिताजी तीन भाई हो सकते हैं सन प्लस केतु में और वो पिता से कुछ किसी तरीके का दूरी बना देता है दूर कर देता है आपको सन प्लस केतु सन प्लस केतु वाला आध्यात्मिकता की तरफ ज़्यादा जा सकता है क्योंकि वो अपनी ईगो को सरेंडर करने वाला होता है सेल्फ को त्याग करने वाला होता है क्योंकि सन सेल्फ है आपका और केतु त्याग है तो वो कहीं ना कहीं और फिर ये कहीं ना कहीं इसके हेल्थ इश्यूज भी क्रिएट करता है उसको ठीक है जैसे सन मार्स केतु का कॉम्बिनेशन हो जाए हार्ट के इशू आते हैं स्टंट डलता है तो ये कॉम्बिनेशनस हैं केतु को लेकर के और आई uh, थिंक हमने सारे एक्सप्लेन कर लिए हैं और इसके ऊपर तो एक मतलब एक कॉम्बिनेशन के ऊपर बहुत सारे मल्टीपल परमोटेशन कॉम्बिनेशन होते हैं हाँ, तो हमने लग फिर भी एक एक एक्सप्लेन कर दिया कि कैसे हम केतु को देखते हैं इस चीज़ों में जी, ठीक है पिताजी बहुत त्यागी प्रवृत्ति के होंगे छोड़ते होंगे अपनी जमीन से या उससे दूर जाते होंगे प्लस केतु चले जाना पड़ेगा पिताजी के साथ ठीक है तो ये उनकी लाइफ में मैनिफेस्ट कर जाता है

पेनफुल uh, होता है थोड़ा सा शुक्र जैसे लोएस्ट डिग्री होता है रिलेशनशिप या पत्नी की तरफ से उसको दुख प्राप्त होते हैं किसी ना किसी वे में ठीक है उसके पीछे भागता है वो तो अगर दारा कारक अगर आपका केतु के साथ बैठा हुआ है तो केतु तो ऑलरेडी डेफिशिएंसी तो कुछ ना कुछ मतलब वो स्ट्रगल उस एरिया में आपको करना पड़ेगा जैसे मंगल लोवेस्ट डिग्री हो केतु के साथ हो रूट कैनल के इशू आएंगे आ, एनिमिक हो जाएगा या मतलब छोटे भाई से दिक्कत प्रॉपर्टी से दिक्कतें कुछ इस तरीके से एक्सट्रीम अग्रेशन सेल्फ हार्मिंग टेंडेंसी ये आ जाएगा लोएस्ट डिग्री में मतलब लोएस्ट डिग्री के साथ केतु नहीं होना चाहिए इट्स अ वेरी कार्मिक रिलेशनशिप मतलब एक बहुत कार्मिक हैवी मतलब एक नेगेटिव साइड में ज़्यादा रिजल्ट मैनिफेस्ट होते हैं और आत्मा कारक के साथ अगर केतु है तो ऐसे होता है जैसे कोई साधक हो जैसे कोई स्पिरिचुअल पर्सन हो बहुत ज़्यादा जैसे री इनकारनेशन के जब मैंने एग्जांपल्स दिए थे री इनकारनेशन जब होता है तो री इनकारनेशन का जो आ, देखे गए के वो ऐसे होते हैं कि दारा कारक और आत्माकारक राहु केतु से प्रभावित हो मतलब वो कुछ का पास्ट का मेमोरीज और पास्ट के कुछ यादें पास्ट का कुछ इस तरीके से चीज़ें एकदम ख़त्म हो जाती हैं जैसे कोई साधना कर रहा था तो खत्म हो गई तो वो उसको याद रहती हैं तो जब आत्माकारक केतु के साथ हो तो उससे रिलेटेड प्लानट कुछ ना कुछ आपको अचीवमेंट देता है लाइफ में कुछ उसकी मेमोरीज कुछ आदतें कुछ टैलेंट आपके अंदर ज़रूर होगा जैसे मरकरी हाईएस्ट डिग्री और केतु हो तो कुछ ना कुछ मरकरी से जुड़ा हुआ टैलेंट आपके अंदर ज़रूर होगा मतलब वो एक अपॉर्चुनिटी वो साधना उस चीज़ में आप एक्सपर्ट ऑलरेडी हो चुके हैं ठीक है, है ना तो वो एनर्जी आपके आसपास रहेगी और जिसकी वजह से केतु उसको मल्टीप्लाई करेगा मतलब आपको बेनिफिट देगा तो दारा कारक और आत्माकारक के साथ में री के केसेस में ज़्यादा देखता हूँ है ना सडनली डेथ हो जाना और फिर सडनली कुछ यादों के साथ पैदा होना होना दैट इज आत्मा कारक या दारा कारक अगर केतु के साथ बैठा हो तो ये रिजल्ट देखने को मिलते हैं बेसिकली ठीक है सर नेक्स्ट सवाल है कि मार्स और केतु का कंजंक्शन और पिशाच योग इसको कैसे इंटरप्रेट करेंगे देखिए पिशाच योग है क्या पिशाच योग का मतलब होता है कि देखिए मार्स केतु क्वांटम फिजिक्स क्वांटम मैकेनिक्स छोटी चीजों में जाने का कॉम्बिनेशन होता है और आ, पिशाच का मतलब पहले तो मैं ये बता दूं कि कालपुरुष कुंडली में मंगल अष्टम का स्वामी है स्कॉर्पियोकार केतु उसका कोल है मार्स केतु सिद्धि देने वाला कॉम्बिनेशन है मार्च केतु आप ये देखें कि ज्योतिषी बनने का योग है क्योंकि उसका सिक्स सेंस बहुत हाई होता है तो इट्स नॉट समथिंग कि बहुत खराब है जैसे पिशाच योग है पिशाच का मतलब होता है आ, मतलब दूसरों का खून चूसने वाला जी, 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 जी। जब जब हमारा मृत्यु होता है तो जो पितृलोक की तरफ जो जर्नी होती है उस वो मतलब रुक जाती है तो मतलब ये इंडिकेशन ये देता है कि मार्स केतु जब या पिशाच युग जब बहुत ज़्यादा हैवीली अफेक्टेड होगा चार्ट में छः आठ बारह में होगा तो क्या होगा डेथ सुसाइड सडन एक्सीडेंट्स ये कनेक्टेड एक रहेंगे उसके साथ लेकिन मार्स केतु ऐसा भी हो तो ऐसे भी मैनिफेस्ट हो सकता है जैसे कोई व्यक्ति जैसे एथलीट हो दौड़ रहा है लेकिन फिर उसके पाँव से खून निकल गया फिर भी दौड़ रहा है मतलब कि थोड़ा सा अपनी फिजिकल बॉडी को तपाना ये मार्स केतु ऐसे कॉम्बिनेशन है जैसे जो लीन बॉडी वाले होते हैं एथलेटिक्स होते हैं या मतलब ऐसे होते हैं जैसे आप देखते ना कि कुछ साधनाएं ऐसी होती है कुछ मतलब हार्ट कोर एकदम ऐसे जैसे उसमें बॉडी को पेन होता है बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा एकदम जैसे मुझे मार्स केतु से ब्रूसलिथ ऐसे आता ल, like, है लाइक स्ट्रॉन्ग है स्ट्रेंथ है लेकिन इतना ज़्यादा इन्वॉल्व है उसका कोई स्किल भी है नो डाउट फिजिकल बॉडी स्किनी है एकदम मस्कुलर है एकदम उस टाइप का है तो मार्स केतु मतलब ये है कि फिजिकल देह को भी कष्ट पहुंचाना और हेडलेस वॉरियर हो जाता है मार्स केतु इज अ हेडलेस वॉरियर कि अपनी परवाह नहीं मिशन मार्स के तो मैंने कहा था कि लेजर लाइक -like फोकस या जैसे बायनोक्युलर खरीदना टेलीस्कोप से गेजिंग करना बेसिकली कोई पैना जैसे तीर चलाता है कोई मार्स के तो कॉम्बिनेशन है तो आप ये देखिए कि पिशाच योग मैनिफेस्ट कैसे कर रहा है आपको जब ब्लड डोनेट करते हैं जब अपना अप, अपनी देह से आपको लगाव नहीं रहता आप बोलते हैं कि मैं अपनी देह किसी को त्याग कर जाऊँगा मतलब जो होता है ना कि मैं अपने फिजिकल ऑर्गन डोनेट कर जाऊँगा या जब आपके अंदर वो टैलेंट होता है जैसे लेबरेटरी से जो काम होता है ना कोई ब्लड निकालता है आपके सो दैट इज आल्सो मार्स केतु आप दूसरों का ब्लड ले रहे हैं बेसिकली सो मार्स केतु एंड कॉन्जेंशन बहुत बड़े बड़े एनकाउंटर स्पेशलिस्ट और आर्मी पुलिस में जो बहुत एनकाउंटर करने वाले लोग हैं उनके चार्ट में भी पाया जाता है तो मार्स केतु कैसे मैनिफेस्ट कर रहा है आपके आसपास क्या वो एज अ जैसे सुसाइड कर लेते हैं कुछ लोग क्या करते हैं ड्रग की ओवर डोज इंजेक्शन ले रहे हैं ड्रग की ओवर डोज डेथ हो गया तो so, किस वे में मैनिफेस्ट कर रहा है पिशाच योग कैन मैनिफेस्ट इन मैनी वेज स्परिचुअल लेवल पर भी मैनिफेस्ट करता है भौतिक लेवल पर भी करता है और बहुत सारी परेशानियाँ भी कई बार देता है मार्स के तो जहाँ होगा कट देगा आपकी फिजिकल बॉडी में तो पिशाच योग को लिटरली ना लिया जाए पिशाच योग मैनिफेस्ट कैसे कर रहा है आपके आसपास उसको देखें आप मतलब पिशाच का मतलब ये नहीं कि कोई पिशाच है कुछ समथिंग लाइक दैट ऐसे ऐसे हो भी सकता है कि आप कोई एनसेस्टर आपका कोई ऐसी मृत्यु या कुछ ऐसे डेथ हुई है जो होनी नहीं चाहिए हाँ ये हो है सकता है ठीक है प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट कुछ कुछ और कई बार मार्स केतु क्या करता है आपकी लीनियज को आगे नहीं बढ़ने देता द, मेल चाइल्ड होने में दिक्कत होती है क्योंकि केतु ब्लॉक करता है तो पिशाचियों को ऐसे ना समझे कि पिशाच नाम से कुछ ऐसे है ये बड़े बड़े ज्योतिषियों के चार्ट में उपासक खास करके बहुत हवन करने वाले छोटे छोटे और बड़े इंट्यूटिव सिक्स सेंस जिनका बहुत स्ट्रॉन्ग है उनके चार्ट में पाया जाता है मार्स केतु जी मेरा सवाल है जो व्यूअर्स ने ही पूछा है कि सैटन और केतु के कंजंक्शन को सन्यास योग बोलते हैं तो क्या ये सन्यासी बनाता है नहीं देखिए सैटन मार्च के तो लंगोट योग होता है मतलब कि वो ब्रह्मचारी रहने वाला व्यक्ति मतलब ये बोला जाता है कि शनि के साथ केतु हो, होगा बहुत सारे ब्रह्मचारियों के या सब सन्यास लेने वाले के चार्ट में होता है कि मैं कोई भी कार्य आगे नहीं करूंगा सन्यास ये है ना कि बस जो आ रहा है मैं क्रियमण कर्म कुछ क्रिएट नहीं कर रहा हूँ मैं स्टॉप कर चुका हूँ जो है बस वो भोगना है मुझे तो सैटन केतु इज अ वन ऑफ द सन्यास सन्यासी योगी होता है लेकिन बृहस्पति का कनेक्शन सूर्य चंद्रमा का कनेक्शन केतु के साथ भी होना जरूरी है बेसिकली तब जाके वो सन्यास योग होता है तो इसके साथ और भी चीजें साथ में होनी चाहिए अब अकेले मैनिफेस्ट नहीं करेगा सेटन केतु ओके okay. ठीक है जी सर और नेक्स्ट uh, क्वेश्चन है हमारा की केतु की महादशा में शादी होती ऑफ़ कोर्स केतु की महादशा में शादी होती है, course, केतु course, के के केतु शादी होती है और केतु कि महादशा में आप पास्ट लाइफ के लोग आपके जीवन में आते हैं और उनके लिए आपको कॉम्प्रोमाइजेज करने पड़ सकते हैं वो डाउन होना पड़ता है और बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हो जाता है कई बार केतु की दशा में शादी जब होती है ज़रूरी नहीं कि सेपरेशन हो जाएगा ज़रूरी नहीं है कि आप आपके साथ ऐसे हो जाएगा कि नहीं होनी चाहिए होती है सेवन्थ हाउस सेवन्थ लॉर्ड से संबंध बनाएगा तो डेफिनेटली आपकी शादी हो सकती है उस पीरियड के दौरान वो सेवन्थ हाउस सेवन्थ लॉर्ड चंद्रमा से सेवन्थ में है तो ऐसा नहीं होती कि नहीं हो सकती जी, जी. केतु की के महादशा में होती है शादी मेरी खुद की के शादी so, uh, केतु महादशा किस तरीके से मतलब क्यों है क्या रीजन है परफेक्ट बहुत अच्छा सवाल है देखो स्कॉर्पियो को हम समझ लेते हैं कि मंगल एरीज का लॉर्ड है और स्कॉर्पियो का भी लॉर्ड है, मतलब है और वृश्चिक को भी गवन करता है ठीक है तो आप ये देखिए कि जहाँ से शुरुआत हो रही है हमारी जो लाइफ है वो डायनेमिक है इसलिए चर राशि हमें मिलती है लगन में लगन इज योर लाइफ जी। एरीज काल पुरुष कुंडली का चर राशि है फायर है हमारे शरीर के अंदर अग्नि है तब तक हम जीवित हैं तो चर राशि मिलती है यानी हमारी लाइफ डायनेमिक है ना लेकिन स्कॉर्पियो फिक्स्ड है हमारी डेथ फिक्स्ड है ठीक है और इसका मतलब ये होगा कि जब आप पैदा होते हैं उसी समय आपकी मृत्यु निश्चित हो चुकी है ठीक है निश्चित है और अपनी देह को त्याग करना पड़ेगा तो स्कॉर्पियो एग्जिट है वाटर साइन है एग्जिट है और केतु भी एग्जिट को दिखाता है केतु भी त्याग को दिखाता है ये जो पिशाच योग आया ना वो इसी स्कॉर्पियो से निकल के आया है ये सारे ट्रेड मार्च केतु वाले स्कॉर्पियो के अंदर भी पाए जाते हैं जहां पर स्कॉर्पियो होता है वहां मार्च केतु एनर्जी होता है और आप देखेंगे जो स्कॉर्पियो का सिंबल है वो है बिच्छू है जिसकी टेल बहुत पावरफुल है मतलब टेल उसके लिए टेल में उसके वेपन है उसका हुँ, हुँ, पीछे, पीछे केतु भी पीछे को रिप्रेजेंट करता है केतु भी टेल को रिप्रेजेंट करता है जी। ठीक है ना और केतु त्याग को भी रिप्रेजेंट करता है फिजिकल बॉडी को छोड़ना दैट इज स्कॉर्पियो केतु भी त्याग को ही रिप्रेजेंट करता है ठीक है ना तो ये बहुत सारी सिमिलरिटीज हैं केतु और स्कॉर्पियो और इसीलिए जहां पर भी आपका केतु होता है उस रिलेटिव के लिए उस बॉडी पार्ट के लिए जिस राशि में होगा जिस भाव में होगा जिस प्लानट के साथ होगा आपकी फिजिकल बॉडी में से वो चीज़ों को कट करता है मतलब वहाँ पे सेपरेशन और इंजरीज देता है केतु फोर्थ हाउस है तो मदर को देगा या आपको चेस्ट एरिया में या आपको कहीं ना कहीं जो भी साइन वहाँ पड़ता है जैसे केतु जैमिनाई का होता है तो शोल्डर्स में होता है या सिब्लिंग्स को मतलब वो केतु जहाँ पर जाएगा उससे रिलेटेड जैसे केतु नाइन्थ हाउस में हो तो फिजिकल बॉडी में आपका नाइन्थ हाउस का जो भी ऑर्गन आएगा या पिता को कुछ ना कुछ दिक्कतें देगा वो hmm. मैंने कहा ना केतु अंडर डेवेल्प लिम्स भी है कट भी करता है एम्पुटेशन ये सब भी है तो वो स्कॉर्पियो से निकल के आती है बेसिकली तो स्कॉर्पियो देह का नष्ट होना है okay. और केतु भी इसीलिए जहां पर भी होगा स्कॉर्पियो का कोल ऑड होने की वजह से वो सारी चीजें आपकी देह में कष्ट करता है इसीलिए स्कॉर्पियो का जो को लॉर्ड है वो केतु है वो केतु आप देखिए हर वो चीज है जो मंगल है स्कॉर्पियो है स्कॉर्पियो के साथ बेसिकली क्योंकि टॉरस फ्रंट है सामने है स्कॉर्पियो ऑपोजिट को रिप्रेजेंट कर, करता है पीछे को रिप्रेजेंट करता है टेल को रिप्रेजेंट टेल बहुत पावरफुल है तो केतु भी एग्जिट और टेल है ठीक है तो इसीलिए केतु और स्कॉर्पियो का आपस में बहुत बड़ा एक ट्रेट है जो मैच होता है जी जी सर जी सर सर so नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि केतु और स्पाइनल कॉर्ड जी बेसिकली बहुत सारे लोग स्पाइनल कॉर्ड का जो से रिलेटेड जो इशू आते हैं उसमें केतु धनु राशि का बहुत बड़ा रोल है सूर्य का बहुत बड़ा रोल है जब आप देखेंगे सूर्य केतु के साथ हो मंगल के इन्फ्लुएंस में हो तो कहीं ना कहीं वो स्पाइनल कॉर्ड बैक पेन के इशू स्टार्ट करता है आपकी लाइफ में सर केतु इज बेसिकली स्पाइनल कॉर्ड केतु स्पाइनल कॉर्ड का इशू दे सकता है आपको केतु मंगल के ऊपर से जा रहा है और ऑलरेडी आपके कुछ है वहाँ पे कॉम्बिनेशन तो हुँ. वो स्पाइनल कॉर्ड से रिलेटेड इश्यूज आपको देगा तो केतु इज स्पाइनल कॉर्ड लेकिन राशि धनु है इसलिए केतु धनु राशि में उच्च का माना जाता है है ना धनु राशि का जो सिंबल है वो धनुष है तो स्पाइनल कॉर्ड इज लाइक अ वो है ना धनुष की तरह है। तो प्लानट और राशि दोनों स्पाइनल कॉर्ड से मैंने क्या कनेक्टेड है वो मैंने बता दिया जी जी सर ठीक है सर नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हम राहु की एनर्जी को कैसे यूज कर केतु की एनर्जी को कैसे यूज कर सकते हैं राहु की एनर्जी को मैनेज करने के लिए ये तो मैंने बहुत बार एक्सप्लेन किया है कि हर रा, रा, केतु और कुछ नहीं है जैसे केतु बाइक का साइलेंसर है चिमनी है क्या निकलता है धुआं निकलता है स्मोक निकलता है सो केतु की चीज राहू की चीजों को एग्जिट केतु ही करता है ठीक है ना मतलब राहू से जुड़ी चीजें जो एग्जिट करेंगे जो आपकी प्योरीफाई करेंगे वो केतु ही करता है ठीक है सो so, जहां पर बहुत ज्यादा अटैचमेंट होती है वहां राहु होता है जहां बहुत ज्यादा एक्सपेंशन होता है अनलिमिटेड डिजायर्स हो जाती हैं और क्या होता है राहु प्रभाव है मतलब हम प्रभाव में आकर के बहुत सारे कार्य गलत कर जाते हैं तो केतु जो कि स्कॉर्पियो का कोल आउट है हमें वो हमेशा याद होना चाहिए जहां पर भी राहू होता है वहां पर हमें केतु हमेशा याद होना चाहिए जी, जी. कि हम हमें वही मिलेगा जो हम डिज़र्व करते हैं बाकी कहीं ना कहीं वो हमारे जीवन से बाहर हो ही जाना चाहे वो धन हो चाहे वो शरीर में के अंदर कोई चीज़ हो वो मतलब ग्राउंडेड रहना चाहिए बहुत ज़्यादा बड़ा सोचना बहुत ज़्यादा ईगो में रहना बहुत ज़्यादा शो ऑफ करना बहुत ज़्यादा एक्सप्लाइटेशन नहीं होना चाहिए तो जब आपको लगे कि एक्सप्लाइटेशन हो रहा है बहुत ज़्यादा आप भाग रहे हैं मेटेरलिस्टिक चीज़ों के पीछे तो कहीं ना कहीं केतु को भी साथ में आप ले मतलब केतु की क्वालिटी को अडॉप्ट करें मेडिटेशन में करें छोड़ना सीखें त्याग करना सीखें देना सीखें सिर्फ ये नहीं कि बस एक्सप्लॉइट करना है या ग्रेस्ट करना है राहु केतु को बैलेंस करें अपने जीवन में मेटेलिस्टिक और भौतिक और आध्यात्मिक चीज़ों को जब हम मिक्स करते हैं जब हम प्रकृति और एक अप्राकृतिक चीज़ों में दोनों में बैलेंस कर लेते हैं तो शायद हुमन जो एक आ, आ, स के लिए भी बेटर रहता है है ना तो दे इस तरीके से आप राहु की एनर्जी को केतु के थ्रू बैलेंस करें और सर क्या केतु हमेशा जिस भी भाव में रहेगा वहां पे सेपरेशन देगा अलगाव देगा डिटैचमेंट देगा नहीं वो किस सेंस में देता है बहुत सारी चीजें हैं जैसे मैंने कहा कि केतु फोर्थ हाउस में है एक व्यक्ति का हुँ. उसके पास बड़ी गाड़ियां हैं भौतिक सुख सारे हैं लेकिन वो माता से सेपरेट है मतलब वो फॉरन में रह रहा है अलगाव नहीं है एक फिजिकल सेपरेशन है वो डिपेंड करेगा हाउस कारक हाउस लोड पे केतु सेवेंथ हाउस में ऐसा नहीं है मैंने लो, लोगों को देखा है पति पत्नी बिल्कुल साथ में रहते हैं कोई कोई इशू नहीं है उनका ठीक है नथिंग बट ये हो सकता है कि वो प्रेजेंट है वहां पे लेकिन किसी वे में इग्नोरेंस है समय नहीं मिल पा रहा है बिजी है ये होता है और कुछ नहीं होता कि आ, मतलब पास में होकर भी थोड़ा सा दूर हाँ ये ऐसे होता है तो ऐसा नहीं है कि केतु सेपरेशन ही है अलगाव ही है नो डाउट no जब भी अलगाव और सेपरेशन होगा उसमें केतु का रोल होगा बट दूसरे प्लानट भी इन्वॉल्व रहेंगे जी, जी. केतु बेसिकली क्या करता है आपको अपसेंट माइंडेड कर देता है जिस भी भाव में होगा जिस भी ग्रह के साथ होगा वहाँ से आपको एक मतलब जैसे मैंने कहा केतु फोर्थ हाउस गाड़ी ले ली ले, लेकिन दूसरों को भी दे, दे देता है चलाने के लिए या उसकी परवाह नहीं है फिर लेने के बाद कोई और यूज़ कर रहा है पड़ी हुई है मतलब उससे एक अटैचमेंट नहीं है जब तक मिल रही है मिली नहीं है तब तक है लेकिन जैसे ही मिली वो डिटैच हो गया दूसरी चाहिए ठीक है ना तो केतु कई बार ऐसे कर देता है तो जरूरी नहीं कि आपको कंप्लीटली कट ऑफ कर दे बहुत सारे लोग होंगे जिनका केतु सेवेंथ हाउस में होगा डाइवोर्स हो रखे होंगे लेकिन और भी चार्ट में कुछ कंडीशन खराब होंगी हुँ। बिल्कुल ठीक है ना अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं है कि हमेशा लगाव ही देगा भौतिक हमें दैहिक दैविक और भौतिक चीजों को समझना होगा हमें लिविंग और नॉन लिविंग सिग्निफिकेशन को समझना पड़ेगा केतु फोर्थ हाउस में किससे सेपरेट कर रहा है, तो से, कर मदर रहा है मदर से कर रहा है, कर कर है। किससे जी ये थोड़ा सा कंडीशन के हिसाब कई बार वो भौतिक सुखों से वंचित कर देता है आपको लिविंग सिग्निफिकेशन से भी वंचित कर देता है ठीक है लेकिन वह आध्यात्मिक उन्नति वहां बहुत ज्यादा देता है तो इट डिपेंड्स ऑन लॉट ऑफ फैक्टर्स जी जी सर और सर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केतु केतु डिटैचमेंट है केतु बियर्ड है केतु मोक्ष है केतु साधु है केतु फ्लैग भी है केतु आपने जैसे बताया कि ध्वज कीर्ति योग भी बनाता है तो इसके कौन से यू नो सिग्निफिकेंस मैनिफेस्ट होंगे कौन से नहीं होंगे ये कैसे पता देखिए ये दोबारा वही बात आ गई कि केतु बहुत सारी चीजों को रिप्रेजेंट करता।, करता है केतु ब्रिज को भी रिप्रेजेंट करता है रोप को भी सीढ़ी को भी हुँ. और केतु वॉल को भी रिप्रेजेंट कर रहा है सर so, जैसे मार्स प्लस केतु प्लस वीनस होता है किसी के चार्ट में मार्स केतु वीनस है तो यहाँ पे वो पति और पत्नी का सेपरेशन दिखा रहा है बट एट अ पॉइंट ऑफ ये पति और पत्नी को जोड़ने का भी काम करेगा एट द टाइम ऑफ मैरिज मतलब उनके अंदर बॉन्ड भी है केतु एक टाइम पे आपको जेल में ले जाएगा आइसोलेशन में ले जाएगा जैसे जेल राहु राहू को लोग बोलते हैं राहू जेल नहीं होता है केतु होता है जेल केज आइसोलेशन में चले जाते हैं आप दूसरों से कट हो जाते हैं आप दूर चले जाते हैं कहीं आश्रम में चले जाते हैं जी तो बिल्कुल केतु इज नॉट तो क्या करता है कि केतु किसी चीज में लेके भी जाता है और केतु ही छुड़ाता भी है इट डिपेंड्स ऑन द ट्रांजिट ऑफ केतु और उसके साथ सैटन और जुपिटर कैसे चल रहे हैं योग क्या है किसकी लाइफ में केतु बारहवें भाव में या लगन लॉर्ड के साथ जितने भी जेल में गए होंगे लोग आप देखिए उनका जुपिटर केतु का कुछ संबंध बनता है ठीक है मार्स केतु का बनता है लेकिन यही कॉम्बिनेशन एनकाउंटर स्पेशलिस्ट में भी होता है

प्रॉब्लम का होता है planet का नहीं होता है <laughs> जी तो बहुत जी बार मैंने कहा है जी और दूसरा कि केतु बीएड है ये तो दैहिक चीज पे आ गया ना दैविक चीज पे ये आ गया कि केतु फ्लैग है मंदिर का केतु उपासक है तो वो दैविक और आध्यात्मिक लेवल पे मैनिफेस्ट करेगा भौतिक लेवल पे वो ब्रेक देगा कहीं मान लो केतु कैप्रिकॉन में है सैटन के साथ है तो ब्रेक दे रहा है या ब्रिज से जुड़े कार्य कर रहा है तो वो योग पे निर्भर होता है केतु का डिस्पोजिटर राशि स्वामी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है जी एक लास्ट क्वेश्चन सर कि हाउ टू डील विद द स्टफ पीपल एंड अदर एट्रीब्यूट्स इन विच केतु इज प्लेस्ड सिंपल है केतु देने का प्लैनेट है केतु छोड़ने का है एक्सपेक्टेशंस नहीं रखना चाहिए केतु आपको आध्यात्मिक चीजों की तरफ लेके जाता है नो no डाउट तो आप गीवर बन जाइए जहाँ पर भी केतु रहता है गिवर बन जाइए और मतलब अपसेंट हो जाइए वहाँ से आपको सोचना नहीं है जैसे होता ना नेकी कर दरिया में डाल ये तो केतु के लिए इस्तेमाल होता है मैंने बहुत बार कहा कि केतु छुड़वाता है छोड़ता है है ना जैसे कृष्ण जी से पहले माता पिता छूटे फिर उनका जो भी है ब्रिज छूटा या जो भी है ना तो मतलब छूटना कई लोगों का पैटर्न होता लाइफ में hmm. तो उसको इंजॉय करें हा ना केतु एक जर्नी है इट्स अ जर्नी टू इनवर्ड्स मतलब कि अपने रियलिटी को समझना और अपने अंदर की चीज़ों को बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर करना राहु बाहर की चीज़ें हैं तो केतु आप जहाँ पर है आप आपकी कुंडली में वहाँ आप छोड़ना डिस्चार्ज करना यू आर बोर्न टू डिस्चार्ज मैक्सिमम ऑफ योर ड्यूटीज़ इन दैट हाउस और हो सकता है आपका वो लास्ट रिलेशन हो लास्ट कर्म वहाँ का पेंडिंग हो ये होता है केतु जहाँ पर भी होता है कई बार ठीक है तो आप इंजॉय करें आइसोलेशन में रहें और वहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन ना रखें दैट इज केतु एंड डिवाइन प्लेसेस एंड डीटीज ओके okay. सो so, देखिए जैसे हर जगह का एक एनर्जी होता है जैसे मैंने बहुत बार कहा कि केतु मेष राशि का हो या केतु मंगल हो ये जो एनर्जी है ये कैंची धाम जो हनुमान जी के उपासक या हनुमान जी की जैसे होता है ना छोटी केतु छोटी जगहों को रिप्रेजेंट करता है तो जैसे जो उत्तराखंड में है कैंची धाम नीम करोड़ी बाबा तो दैट इज केतु इन एरीज और केतु मार्स तो वहां का एनर्जी है मतलब उसी प्रकार का एक एनर्जी जहाँ पे बड़े बड़े युद्ध लड़े गए हों जैसे कुरुक्षेत्र ये है ना जहाँ पे ये या जहाँ पे बहुत ज्यादा फिजिकल बॉडी को लेकर के बहुत कठिन तपस्याएं होती हैं जहाँ पे योग होता है जहाँ पर ठीक है स्पिरिचुअलिटी बहुत ज्यादा स्पिरिचुअलिटी और योग जहाँ पर बहुत ज्यादा है बहुत इंटेंस लेवल पे केतु मार्स okay. और मार्स केतु कार्तिके की आराधना या कार्तिके जिसे भी कनेक्टेड है तो केतु मार्स के लिए ये सब एक डिवाइन प्लेसेज या डिवाइन डीटीज दे, जो लोग एक्सपेक्ट करते हैं चंद्रमा केतु चंद्रमा केतु क्या होता है चंद्रमा केतु पार्वती माँ पार्वती का कॉम्बिनेशन है माँ जो डी है क्योंकि और ये शिव पार्वती का कॉम्बिनेशन मतलब ऐसे एरिया जहाँ पे शिव की बहुत ज़्यादा आराधना होती है स्पेशली स्पेशली माँ पार्वती से चंद्रमा केतु या होली रिवर्स जहाँ पर हम लोग अपने पाप धोने के लिए जाते हैं या कोई चीज़ को छोड़ने त्याग पानी में बहाना इस त्याग मतलब अपने आप को उससे मुक्त करना है विपासना सेंटर्स दैट इज मून केतु है ना अपने इमोशंस अपनी अंदर की चीज़ों को बाहर निकालते हैं सो मून केतु और मरकरी केतु लड्डू गोपाल विष्णु का पाठ करने वाले विष्णु जी, जी, जी के उपासक जितने भी होते हैं दैट इज मरकरी केतु अगर केतु के साथ मून जुड़ना है तो जुड़ जाए तो जगन्नाथ पुरी का कॉम्बिनेशन है ठीक है तो लड्डू गोपाल एक मरकरी केतु का है इसके अलावा छोटे छोटे बच्चे छोटी छोटी कन्याएं ये दैट इज आल्सो मरकरी केतु जुपिटर केतु में ट्रबल शूटर्स बोलता हूँ मैं जुपिटर केतु दूसरे व्यक्ति जो होते हैं वो ट्रबल शूटर्स होते हैं दूसरों को अपनी प्रॉब्लम से बाहर निकालने वाले तो इसी गणपति जी, जी का सीधा संबंध जुपिटर केतु केतु धनुराशि ये है ठीक है सो ये जुपिटर केतु वालों के लिए गणेश योग आ, कान बड़े होते हैं बहुत ज्ञानी होते हैं बहुत आ, कुछ ज्ञान लेकर के पैदा होते हैं अपने साथ दैट इज़ जुपिटर केतु ठीक है तो जुपिटर केतु वैसे भी ये हो गया कि जुपिटर कोई मंदिर हो गया केतु फ्लैग हो गया तो जितने भी रिलीजियस प्लेसेस हैं आप स्पेशली uh, जहाँ पे आप मेडिटेशन करें बैठें जहाँ पे आपके अंदर ठहराव आए दैट इज़ जुपिटर केतु उसके लिए कोई ऐसा पर्टिकुलर जगह नहीं है ठीक है हुँ. या आपके जो गुरु हैं जहाँ पे कोई तपस्या करते हैं ऐसी कोई स्थली जहाँ पे साधु संत बहुत घूमते हैं ऋषिकेश हो गया मतलब ऐसी जगहों पर दैट इज़ जुपिटर केतु ठीक है आयुर्वेद जहाँ सिखाते हैं वो उसका डोमेन होता है आ, इसके अलावा सूर्य केतु वेरी इंपॉर्टेंट सूर्य आपके कुल देवी कुल कुल देवता को रिप्रेजेंट करता है लीनियज को रिप्रेजेंट करता है तो सूर्य केतु कई बार प्रॉब्लम देता है आपके लीनियज को आगे बढ़ाने में मेल चाइल्ड नहीं होता है ठीक है तो सन केतु आपकी कुल देवता ठीक है जी। और हाँ सूर्य केतु में एक और है जो आ, सुप्रीम भगवान सूर्य साक्षात हैं तो सन केतु में आप आपके लिए वही हो जाते हैं भगवान श्रीराम से भगवान राम से भी कनेक्टेड है नो no डाउट इसके अलावा वीनस केतु वीनस केतु माँ दुर्गा मा लक्ष्मी से कनेक्टेड है ठीक है जैसे कमल के फूल पे जो विराजमान है स्पेशली दैट इज वीनस केतु के और बहुत बार वीनस केतु वाला जो व्यक्ति होता है वो देखा जाता है मंत्र देवी से कनेक्टेड ठीक है वैष्णो देवी से कनेक्टेड माँ दुर्गा से कनेक्टेड माँ लक्ष्मी से बहुत ज्यादा कनेक्टेड होता है क्योंकि केतु उपासक है शुक्र वो डीटी है फीमेल डीटी है तो माँ का उपासक हो गया इसके अलावा सैटन केतु सैटन केतु स्पेशली जहाँ तक मुझे लगता है जो काली जैसे हम काली का जो डोमेन होता है एरिया होता है दैट इज सैटन केतु जी, जी। ठीक है ना ये अगेन स्पिरिचुअल प्लेसेस आश्रम साधु संतों के जितने भी प्लेसेज हैं कहीं पर वो सैटन प्लस केतु हो जाता है सैटन प्लस केतु आइसोलेशन में कोई बहुत मंदिर हो या पहाड़ी पे कोई बहुत जो मंदिर होता है दैट इज सैटन प्लस केतु चाहे वो किसी का भी हो अच्छा ओके। क्योंकि टफ है ना वहाँ पहुँचना ठीक है तो सैटन प्लस केतु अब सैटन प्लस केतु से मैंने कहा थोड़ा सा माँ काली से संबंधित हो जाता है ठीक है जो काली का एनर्जी है कहीं पर भी दैट इज सैटन प्लस केतु सर अब लास्ट में केतु 12 sign में एक वन लाइनर आप क्या बोलेंगे वो बताइए में केतु okay. uh, तो मैंने पहले भी कहा था कि शार्प शूटर है या शार्प से या से खेलने वाला मतलब उसके अंदर वो cutting and chopping, uh, ये होता है uh, कोई चीज़ में पीछे है, मतलब बहुत ज्यादा लेजर लाइक जो एक फोकस होता है व्यक्ति का नहीं. बहुत शार्प होता है जो व्यक्ति किसी चीज में मार्शल एनर्जी में वो बहुत ज्यादा एक्सपर्ट इज केतु इन एरीज है ना तो केतु इन इज अ हेडलेस वॉरियर मतलब एक्ट कर लेगा शूट है ना केतु नीरीज और केतु इन टॉरस फाइनेंशियल एक्सपर्ट हो सकता है या ये कह लीजिए कि वो मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम कैसे क्रिएट करना है डिफरेंट सोर्सेज कैसे क्रिएट करना है ठीक है केतु इन टॉरस दूसरों या वेल्थ से ज़्यादा अटैचमेंट नहीं दूसरों को धन देने वाला केतु इन टॉरस ठीक है केतु इन जैमिनाई इंट्यूटिव स्किल होगा राइटिंग को लेकर के लिखने को लेकर के मरकरी अच्छा नहीं होगा तो एकदम बहुत गंदा लिखेगा ठीक है <laughs> जी, जी. लेकिन केतु इन जैमिनाई वाला उसको कोई भी चीज़ कोई भी स्किल वो जल्दी सीख लेगा स्पेशली पेंटिंग करना हो लिखना हो कुछ भी वो बड़ी चीज़ों को बड़े पैराग्राफ को बहुत छोटे में शॉर्टकट में वो कर सकता है उसको मतलब सेमेराइज़ करना किसी भी बड़े चीज़ों को बुक्स को ऐसे केतु जमेनाई ठीक है और कम बोलने वाला पॉज लगा के बोलना केतु जय केतु कैंसर साइन में बहुत इमोशनली सेंसिटिव पर्सन बट वेरी मच इंटिव बहुत इंट्यूटिव पर्सन बहुत सारी चीजें विजुअलाइज कर लेना एकदम से कोई बात कर रहा है तो दैट इज केतु और कुछ ना कुछ टैलेंट लेके होता है पास्ट लाइफ का कुछ विद्या लेके पैदा होता है जिसमें इंट्यूशन चाहिए चाहे वो रेकी हीलिंग हो चाहे वो ज्योतिष हो चाहे टैरोट हो चाहे मतलब इस तरीके से केतु कैंसर साइन में और पानी कम पीने वाला पानी कम पीने वाला हाँ कि तू इन कैंसर साइन और मदरलैंड से दूर रहने वाला कि तू इन कैंसर साइन के तु इन लियो फेमस पर्सनालिटी केतु इन लियो आ, अपनी फील्ड में एक झंडा गाड़ने वाला आदमी ठीक है एंसेस्टर मतलब अपने नाना से बहुत ज्यादा प्रभावित आदमी ठीक है उसके नाना बहुत एक गवर्नमेंट से जुड़े हुए या काइंड uh, ऑफ kind of, uh, होता है ना कि फेमस पर्सनालिटी हो सकता है बहुत रेपेटिव पर्सनालिटी हो सकता है केतु इन लियो स्पेकुलेटिव होता है मतलब प्रडिक्टिव किसी केतु इन लियो केतु इन वर्गो चीनी करने वाला एरर फाइंडर्स नेचुरल एरर फाइंडर कम ही ढूंढ लेगा केतु इन वर्गो हो जाता है वो. जी, जी, जी. ठीक है लेकिन uh, कई बार अनडाइग्नोज अपने लिए ही डिजीज दे देता है उसको केतु इन वर्गो ठीक है ओके केतु इन वर्गो पैट्स डॉग्स से बहुत ज्यादा कनेक्टेड उनसे आ, उनकी सेवा करने वाला है hmm. ना ये केतु इन वर्गो जी केतु इन लिब्रा रिलेशनशिप में ब्रेक या शादी से मतलब पत्नी साथ में बैठी हुई लेकिन कहीं और खोया हुआ है दैट इज डिटैचमेंट उसको कहते हैं इग्नोरेंस किसी में दैट इज केतु इन लिब्रा केतु इन लिब्रा होता है कि अपनी शादी भले ही ना चले लेकिन अपनी शादी में कुछ दिक्कत नहीं हो लेकिन दूसरों को रिलेशनशिप एडवाइज या एक काइंड ऑफ है ना केतु इन लिब्रा दूसरों के रिश्ते लगाने वाला आदमी है ना दैट इज केतु इन लिब्रा जी जी ठीक है केतु इन स्कॉर्पियो अगेन वाटर साइन है स्कॉर्पियो है जहाँ पर भी होगा वहाँ कट ब्रेक जरूर करेगा लेकिन केतु स्कॉर्पियो वाला अगेन माइक्रो बायोलॉजिस्ट जैसे होता है हुँ. बहुत छोटी चीज़ में रिसर्च करने वाला आदमी बहुत गहनता गुड़ता में घुसने वाला हर चीज़ के रूट में जाने वाला जड़ में जाने वाला नेचुरली ऑकल्ट रिसर्च में नेचुरली माइंड उसका रहता है केतु स्कॉर्पियो ठीक है और बहुत ज़्यादा जैसे होता ना कि रिवेंज टेकिंग पर्सन मतलब थोड़ा सा अंदर चीज़ें रखता है कि सी बाद में है और एक केतु स्कॉर्पियो इज लाइक ऐसा साधक जो साधना ऑलरेडी बहुत इजीली अट्रैक्ट करती है जिसको राशि ये ठीक तो ऐसे होता है, गुरु। बहुत भगत होता है केतु इन वर्गो कई बार वो बड़ा फैनेटिक भी हो जाता है अपने धर्म को लेकर रिलीजन को लेकर के और पहाड़ों की जी, तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होने वाला केतु वहां से कनेक्शन वहां से गाइडेंस मिलने वाला कोई आदमी उसको कोई आएगा उसको हेल्प करेगा केतु धनु राशि का जी ठीक है केतु कैप्रिकॉन इंडिपेंडेंट काम करने वाला अपने हिसाब से काम करने वाला तीन नौकरी छोड़ने वाला या मतलब होता ना कि निष्काम कर्म करने वाला जिस जिसमें उसको कोई उम्मीद नहीं है कि, कि दैट इज केतु इन कैप्रिकॉन घुटने पे चोट का निशान होगा दूसरों का रिस्पॉन्सिबिलिटी डिस्चार्ज करता रहेगा हमेशा दूसरों को रिलीफ देना दूसरों के कॉन्फ्लिक्ट सुलझाना दूसरों को ठीक करना केतु तो कैप्रिकॉन वो इसीलिए पैदा हुआ है अपनी नौकरी सही है न नहीं, नहीं अपना काम ठीक है लेकिन दूसरों के लिए करना है केतु तो इन एक्वेरियस एक्वेरियस अगेन देखो सोशल नेटवर्किंग है और थोड़ा सा सोशल नेटवर्किंग कम कर सकता है फ्रेंड्स कम हो सकते हैं लेकिन ऐसा नहीं है वो मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम भी बना सकता है केतु तो इन एक्वेरियस स्कॉर्पियो से ज्यादा इनोवेटिव और रिसर्च माइंडेड होता है जी और साथ ही साथ वो एन या ऐसे कुछ काम करने वाला एक फ्लैंथ्रोफिस भी हो जाता है ठीक है केतु 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 इन 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 एक्वेरियस लास्ट सर जी हो गया कि बहुत ज्यादा इमेजिनेटिव जो आदमी है hmm. बहुत ज्यादा इंटिव स्किल्स हैं जिसके पास मेडिटेशन uh, करने वाला आइसोलेशन में रहने वाला क्योंकि बहुत सबमिसिव नेचर देता है झुकने hmm. वाला है ना पानी वाली जगह जहाँ दो नदियाँ मिलती हैं वहाँ बैठना या वहाँ से उसका कुछ कनेक्शन हो सकता है ठीक है दूसरों को दूसरों की परेशानियों को और दूसरी की कॉन्फ्लिक्ट को सुलझाने वाला उनको बहुत सारी चीज़ों से मुक्त करने वाला केतु पाइसिस जी त्याग है पाँव हिलाने की आदत हो सकती है केतु इन पाइसिस वाले की जैसे होता है ना बात करते करते पाँव हिलाता रहता है वो दैट इज़ केतु इन पाइसिस स्पाइसिस so, केतु इन स्पाइसिस बेसिकली बहुत अच्छा होता है जी, जी. इन लोगों के लिए तो खास करके जो

Uh, मुझे ऐसा लगता है कि अभी केतु के, के डिस्पोजिटर को लेके और केतु uh, के यू नो सिग्निफिकेंस सारे घरों में लेके कितने हाउसेज में है इन सब को लेके अभी बहुत इसका एक सेकेंड एपिसोड बनता है जरूर जरूर बिल्कुल अभी तो हमने सिर्फ ये डिस्कशन किया है कि केतु क्या है केतु के, तु के, तु क्या, है, के, तु के तु क्या है कुछ थोड़ी बहुत नई चीजें हैं और केतु ट्वेल्व हाउसेस डेफिनेटली और केतु का राशि स्वामी जिसको बहुत सारे लोग इग्नोर करते हैं जी उसके ऊपर हम जरूर एक बहुत अच्छा वीडियो बनाएंगे